ओके डियर्स फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स टुडे इज सैटरडे तो आज हम लोगों का तो मिलना बहुत ही नेचुरल है आज आपका टॉपिक भी काफी इंटरेस्टिंग है हिंदू धर्म हिंदू एवं हिंदुत्व यानी हिंदुइज्म, हिंदू एंड हिंदुत्व। हिंदु इस टॉपिक का बहुत पहले से डिमांड था लेकिन मैं कोशिश कर रहा था कभी आगे जब आप लोग थोड़ा सा और भी ज़्यादा क्रिटिकली जब शाउंड हो जाए तो ये टॉपिक मैं लाऊं वैसे मैंने इस टॉपिक को रखा है प्रेजेंट एंड द पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज के पार्ट के रूप में लेकिन अगर हम इसे क्रिटिकल ओपिनियन सीरीज में रखते वो भी चलता क्योंकि देखिए ये हिंदू हिंदुइज्म हिंदू एंड हिंदुत्व ये एक ऐसा इशू है वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्सियल इशू जी इंडिया तो अब ऐसे इशू को मैं पकड़ रहा हूं तो मैं यहां पर बड़ी न्यूट्रल भूमिका में हूं मतलब जस्ट आई हैव टू प्ले द रोल ऑफ एन इंटरमीडियट एमंग डिफरेंट स्कॉलर्स क्योंकि मुझे लगता है कि इस जेनरेशन के लोगों को भी डिफरेंट स्कॉलर्स के मत को जानना चाहिए यू हैव टू प्ले द रोल ऑफ ए जज नॉट द रोल ऑफ ए लॉयर दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जब क्रिटिकल ओपिनियन सीरीज में मैं आपको लाऊँगा अभी तो इस लेक्चर के बाद संभवतः हो सकता है एक दो लेक्चर के बाद तो उससे पहले ये फार्मूला यहाँ भी आपका लागू होगा क्रिटिकल ओपिनियन सीरीज का मतलब यह होता है ये दो मिनट आपको समझना आवश्यक है नहीं तो इसके साथ आप जस्टिस नहीं कर पाएंगे और आपके दिमाग में कुछ ऐसे सवाल उठ सकते हैं हालांकि मैं मानता हूं कि हमारे व्यूअर्स काफ़ी प्रबुद्ध हैं और हमारे स्टूडेंट्स तो वो इन चीज़ों को समझ पाएंगे एक बात जो मैंने आपको कही है उसको आप एक तरह से बार बार अपने मन में रिपीट करना कि एवरी नॉलेज इज ए परस्पेक्टिव अब ये एवरी नॉलेज इज ए परस्पेक्टिव इसका मतलब क्या होता है तो इसको मैं थोड़ा सा और भी स्पष्ट कर दूँ जैसे ले मैन के टर्म में तो शायद बहुत हमारे दर्शक को ये ज्यादा क्लियर हो जाए जैसे चलिए आप सोसाइटी के हित में कॉकरोच को मारने निकलते हैं कॉकरोच मरता है सोसाइटी को फायदा भी होता है लेकिन इस क्रम में उसके कोलेट्रॉल के रूप में कुछ छिपकलियां भी मर जाती है अब सवाल है कि कुछ समय के बाद जब आपका मूल्यांकन होता है इवेल्युएशन होता है अ ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स आते हैं इवेल्युएट करते हैं कि आपने अच्छा किया बुरा किया क्या किया तो वहां पर डिफरेंसेस होना बहुत ही स्वाभाविक होता है कुछ स्कॉलर्स का ध्यान जाएगा कि सोसाइटी को फायदा कितना हुआ कॉकरोच के मरने से और कुछ का ध्यान जाएगा कि छिपकलियां मर गई इस कारण से कितना लॉस हुआ सोसाइटी को तो इसी तरह से ओपिनियन का डिफरेंस होता है सच्चाई तो दोनों है लेकिन उसमें किस सच्चाई पर किसका ध्यान ज्यादा जाता है तो मैं स्ट्रेंड्स इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंस में अंतिम वाक्य कोई हो ही नहीं सकता यही जो विचारों की का जो डिफरेंसेस होता है वही इस पेपर को आगे बढ़ाता है बस मैं इतना आपको बता देना चाहूँगा हमारा इशारा आप लोगों तक पहुँच गया होगा अब मैं इस टॉपिक में आता हूँ बात तो यहाँ हिंदुइज़्म की है लेकिन अब हिंदुज्म यानी हिंदू धर्म पर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा कुछ जो इस विश्व के महत्वपूर्ण धार्मिक पंथ हैं उनके बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी देना आवश्यक होगा इसलिए देखिए मैंने लाया है पहला कि अब पहले हिंदू को ही आप देख लीजिए हिंदू टर्म कोई स्थिर टर्म नहीं है आप हिस्टोरिकली जाएंगे वैसे मैं आपको बताऊंगा कि मैं अलग अलग स्कॉलर्स का मत भी आपको दिखा दूंगा लेकिन इस टर्म का कन्नोटेशन को समझिए जैसे माना जाता है पर्सियन और फिर अरबिक लोगों ने पहली बार हिंदू शब्द का प्रयोग किया तो अरब वालों ने जब इसका प्रयोग किया था तो वह मीन करते थे कि जो सिंधु प्रदेश में रहने वाले लोग हैं या उसके पूर्व रहने वाले लोग हैं वह सिंधु हैं तो कहा जाता है कि संभवतः उनका एस का उच्चारण एच की तरह होता था तो सिंधु से वो हिंदू कहने लगे तो बात वहां से हिंदू किया गई तो एक ग्रुप ऑफ हैं वो कहते हैं कि जिस समय बाहर वाले हिंदू कह रहे थे भारतीयों को उस समय वो एक ज्योग्राफिकल मानदंड से तोल रहे थे इट वॉज डिनोटिंग पर्टिकुलर जियोग्राफी और एरिया वो उस समय कोई कम्युनिटी के रूप में या कोई रिलीजन के रूप में उसकी पहचान स्थापित नहीं हुई थी क्या यह विचार हम आगे फिर देखेंगे तो ये यहां से हिंदू की ओरिजिन बताते हैं और यह भी बताते हैं कि उस समय तक हमारे किसी भी इंडियन सोर्स में हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था या उस पर या आगे तक भी कुछ समय तक हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था फिर बात आ जाती है एक धार्मिक पहचान की रिलीजियस आइडेंटिटी की तो हम ऐसा मानकर चले कि भारत में वैसे तो देखो अगर आप कहेंगे कि क्या भारत किस रिलीजन के टच में आया तो आप जो दुनिया में जो भी कोई नया सेक्ट आया तो एंसेंट टाइम में भारत में उसके कुछ आप कह सकते हैं सेंट्स उसे लेकर इंडिया अवश्य आए जैसे मैं आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल कि फर्स्ट सेंचुरी का आप एग्जाम्पल लीजिए तो आप जानते हैं कि अमूमन यही समय है कि क्रिश्चियनिटी स्टेब्लिस्ड हुआ वेस्ट में लेकिन उसी समय एक सेंट आए सेंट थॉमस इंडिया केरला में आप देखिए आज भी आपको तमिलनाडु और केरला में आपको आप, अर्लिएस्ट जो चर्च है आर नॉट सिंपली द अर् यू कैन से अर्लिएस्ट चर्च इन इंडिया बट वन ऑफ द अर्लिएस्ट चर्च इन द वर्ल्ड चर्च उनके कर, बोलते हैं आप तो जानते ही हैं और उसके बाद ऐसा हुआ कि जो ज्यूज थे यहूदी थे तो यहूदी लोग बसे हुए थे पेलेस्टाइन में जब वहां पर रोमन एम्पायर आया पहले तो इजिप्टियन ने उनको खदेड़ दिया उन क्षेत्र से फिर रोमन एम्पायर आया तो उसने जब प्रोजिक्यूट किया उनको तो बहुत सारे यहूदी इंडिया की तरफ आए तो फोर्थ सेंचुरी में उनका एक सीनागॉक बना उनके टेम्पल को सिनागॉग बोलते हैं तो वो भी इंडिया उससे वाकिफ था और फिर सेवन सेंचुरी में इस बार आपको यूपीएससी के मैप में भी डाला है चिरामन पेरूमल जो एक जमुरीन किंग है उसने किस प्रकार से एक मुस्लिम सेंट को जो सूफी सेंट थे उनको अपने यहाँ मलिक बिन दिनार उनका नाम था उनको अपने यहाँ उन्होंने एक पैट्रोनाइज किया और फिर मक्का की यात्रा की और फिर पहला मॉस्क बनाया उसने जो इस बार उस मैप में इंडिया के वो पहले मॉस्क के बारे में ही पूछा था तो हाँ हम आपको बताते हैं कि इंडिया उसी समय से इस्लाम से वाकिफ हुआ लेकिन साउथ इंडिया के लोग वाकिफ हुए और वह अरब इस्लाम से वाकिफ हुए फिर आगे जब टक्स आएंगे तो फिर उत्तर भारत में इस्लाम का एक नया मॉडल लेकर आएंगे ध्यान रहे कि इस्लाम का भी जो अरबिक मॉडल साउथ इंडिया का था और जो नॉर्थ इंडिया का था दोनों में अंतर था एनी वे माई पॉइंट इज कि उस समय जब भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई इस्लामी सत्ता तो धीरे धीरे हिंदुइज़्म एक रिलीजन के रूप में एक धर्म के रूप में अब उसका नाम लिया जाने लगा तो इस तरह से शुरू हुआ एक ज्योग्राफिकल पहचान के रूप में फिर धीरे धीरे यहाँ की जो आप कह सकते हो कि जो नॉन क्रिश्चियंस थे क्रिश्चियंस तो बहुत कम थे पारसी भी आए थे इंडिया में मैं बताऊँ जोरोस्टियन उनको पारसी बोलते हैं वो भी इंडिया में आए थे तो वो वो गुजरात में और महाराष्ट्र में साउथ में नहीं गुजरात और महाराष्ट्र में उनका एवॉर्ड रहा था तो ये आए तो फिर ये सब इनकी संख्या बहुत कम थी जब मुस्लिम्स आए तो एक अच्छे खासा पॉपुलेशन लेकर आए तो उसके बाद फिर यहाँ के जो देशी लोग थे उनका जो धर्म है ऑटोमेटिकली उनको हिंदुज़्म का धीरे धीरे आइडेंटिटी बनने लगी और फिर आता है एक हिंदू संप्रदाय इसमें काफ़ी विवाद है क्योंकि यहाँ पर स्कॉलर्स काफ़ी डिफर करते हुए कहते हैं कि जब ब्रिटिश आए और जब सेंसस आरम्भ किया तो सेंसस में पहली बार जितने भी गैर मुस्लिम्स थे गैर क्रिश्चियंस थे गैर जोरोस्टियंस जो भी थे उन सबको मतलब गैर मुस्लिम्स एंड गैर क्रिश्चियंस को उन्होंने हिंदू के रूप में कॉमन आइडेंटिटी दे दी अब व्हाट इज़ द डिफिकल्टी है एंड क्या यस यह स्टेटमेंट सही है ये उनका क्लेम करेक्ट है या नहीं है तो उसमें घबराइए नहीं मैं पूरी हिस्ट्री का सर्वे करूंगा आपके साथ और उस क्रम में पूरी हिस्ट्री का मतलब है मिडिवल तक भी मॉडर्न तक तो हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार ये हिंदू कम्युनिटीज़ के जो हिंदू कम्युनिटी है इसके उद्भव के बारे में किस प्रकार से द डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स डिफरिंग व्यू रखते हैं तो ये आपको आपको खुद पता चल जाएगा तो चलिए अभी फिलहाल हम यहां देखते हैं कि ये रह गई हिंदू की बात लेकिन अब भारत में हिंदुइज्म कैसे इमर्ज किया कैसे इवॉल्व किया इसको देखने से पहले थोड़ा यह देखना आवश्यक है क्योंकि हम हिंदुइज्म के फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे आपसे कि हिंदू धर्म की विशेषता क्या है ओके okay. तो अब उसे देखने के लिए हमें कम से कम दुनिया के जो कुछ स्टेब्लिश सेक्ट हैं उनके बारे में हल्का आपको बता दूं जैसे देखो ये आप एक है जुडाइज ये समझा जाता है सबसे वेस्ट में जोज के बाद जुडाइज्म आया शब्द से घबराए नहीं हुआ है यहूदीवाद यानी यहूदी और फिर उसके बाद आई क्रिश्चियनिटी इनके बारे में डिटेल्स में बताने का ना तो हमारे पास टाइम है ना हमारे इस लेक्चर की योजना है तो कभी किसी लेक्चर में फिर हो जाएगा और तीसरा इस्लाम तो ये तीनों में तीनों एक ही ट्रेडिशन से हैं और इनको आप कहेंगे अब्राहमिक ट्रेडिशन अब्राहमिक ट्रेडिशन मतलब तो इन तीनों में कॉमन पॉइंट्स हैं क्योंकि जैसे अब इसमें आप देखते हो जुडाइजम है तो इसके पैगंबर हैं अब्राहम और अब्राहम की परंपरा से ही आगे जुड़ते हैं जेसस क्राइस्ट इसलिए क्रिश्चियनिटी को आप इससे जुड़ा हुआ मान लें और फिर आप देखेंगे कि इसी अब्राहम की परंपरा से जोड़ते हैं प्रॉफ जुड़ते हैं प्रॉफिट मोहम्मद भी लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद के बाद अमूमन ऐसा माना जाने लगा कि वो अंतिम कैलिफ हैं इसके बाद कोई कैलिफ नहीं होंगे मतलब मतलब सॉरी अंतिम अंतिम पैगंबर है नॉट तो कैलिफ। कैलिफ उसके बाद आए प्रॉफिट और इसके बाद फिर कोई दूसरा पैगंबर नहीं आएगा तो पैगंबर मोहम्मद जब आए तो एक तरह से पैगंबर मोहम्मद की जो वाड़ी है उनके जो स्टेटमेंट हैं उनको माना गया वही अंतिम है जो कुरान में संकलित है इस तरह से आप आ गए प्रॉफिट मोहम्मद इसमें आपको मैं इस्लाम जैसे क्रिश्चियनिटी तो है तो इससे जुड़ा हुआ फिनोमेना है इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद को अंतिम पैगंबर माना गया ओके फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आपको एक दूसरी चीज बताते हैं ये सर्टिन फंडामेंटल्स हैं इनमें सर्टिन फंडामेंटल्स का मतलब है कि ये रिलीजन अगर आप अगर एक जुडाइस्ट हो एक क्रिश्चियन हो या एक मुस्लिम हो यू आर सपोज टू फॉलो सर्टिन राइट्स अगर उस राइट से आप डिपार्ट करते हो तो फिर आप धर्म विरोधी कहलाओगे लाओगे अगर आप उस धर्म के हो क्योंकि उसमें कुछ एक फंडामेंटल्स है कुछ इस तरह की स्टेबलिस्ड नॉर्म्स हैं जिनका पालन करने की अपेक्षा आपसे की जाएगी अब इसमें है कि सब में एक पैगंबर है अ प्रॉफिट जैसे अब क्रिश्चियनिटी है तो आप इसमें कई चीजें आपको एक फंडामेंटल्स उसमें हैं एक तो जेसस क्राइस्ट प्रॉफिट हैं एंड देर वॉज अ कॉमन परसेप्शन कि जेसस क्राइस्ट वॉज द सन ऑफ गॉड एंड हैज सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी और मैन तो ये उनका उसके बाद फिर आप देखते हैं वर्जिन वर्थ का कॉन्सेप्ट है प्रिस्ट का कॉन्सेप्ट है सेलिब्रेट पृष्ट सेलिब्रेट पृष्ट का मतलब है कि वो ब्रह्मचर्य का शपथ लेते थे और पादरी चर्च है एक चर्च सिस्टम है यूनिवर्सल चर्च सिस्टम आगे चलकर स्टैब्लिश हो गया खुद तो जैसा क्राइस्ट ने नहीं किया लेकिन आगे चलकर पीटर लोम्बार्ड और टॉमस एक्विनास जैसे सेंट्स के समय वो इमर्ज कर गया और दूसरा आपको दिखता है एक केसरवादी मोनोथिज्म मोनोथिस्टिक मोनोथिज्म का मतलब होता है एक ही ईश्वर एक से अधिक अगर ईश्वर हैं तो वो बहुदेववाद हो जाएगा मतलब एक ईश्वर की परिकल्पना और जहां बहुदेववाद होगा तो वैदिक रिलीजन को अगर आप एक्सेप्शन में रखें क्योंकि उसमें बहुदेववाद के बाद भी मूर्ति पूजा नहीं है नहीं तो सामान्यतः तो बहुदेववाद के साथ मूर्ति पूजा भी पोलिथिज्म उसको बोलते हैं पोलिथिस्टिक और एकेश्वरवाद को मोनोथिस्टिक और उसके साथ जुड़ जाता है मूर्ति पूजा जैसी चीज भी पोलिथि पोलिथिज्म के साथ यानी बहुदेववाद के साथ यहाँ है निराकार ईश्वर है एक जिनका कोई मूर्ति नहीं है कोई आइडल नहीं है तो ये हुआ एक के शुरुआत तीसरा है एक ग्रंथ वॉज अफ वन कंडीशन कि देर शुड बी सम सेक्टेड टेक्स्ट अब देखिए एक पैगंबर है एक पैगंबर जीसऑस क्राइस्ट भी है एक पैगंबर अब्राहम थे और एक पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद आए तो इस्लाम ने इस तरह का कहा आपने इस्लाम का वो फेमस उक्ति आपने देखी होगी ला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह तो मतलब उसका मतलब क्या हुआ कि देर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड प्रॉफिट मोहम्मद इज हिज प्रॉफिट मतलब ईश्वर अल्लाह है एक ही ईश्वर है वो अल्लाह है और मोहम्मद उनके पैगंबर हैं तो इसका मतलब है कि वो अधिकृत रूप से यहां पर तीनों पैगंबर हैं सेक्रेट ग्रंथ में आप देखते हो तुरा है अगर आप यहूदी वाद को देखोगे क्रिश्चियंस को ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं क्रिश्चियंस का बाइबिल है होली टेक्स्ट और आप जानते हो इस्लाम का होली कुरान है तो तीनों के एक स्टेब्लिश टेक्स्ट है ओके अब यहां से आप आगे बढ़ते हो तो कुछ मूलभूत अवधारणाओं में आप हिंदुजम के फीचर्स को देखो तो हिंदुज्म का फीचर्स यह है मैं अगर किसी भी अपने स्टूडेंट से पूछूं कि अच्छा हिंदुइजम का फंडामेंटल्स बताइए क्या फंडामेंटल्स है वो चक्कर में पड़ जाएगा वो जवाब नहीं दे पाएगा ही विल जस्ट स्टार्ट टू थिंक आइधर अबाउट द वैदिक पीरियड और द पुराना पीरियड और द भागवत गीता कोई भागवत गीता बोलेंगे कोई वैदिक ग्रंथ बोलेंगे कोई हो सकता है पुराण भी बोलें कोई हो सकता है मनुस्मृति भी बोल डाले लेकिन मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि इसमें से किसी को भी हम फंडामेंटल टेक्स्ट नहीं मान सकते इतनी डाइवर्सिटीज़ है इतनी विविधता है दूसरी है कोई पवित्र ग्रंथ नहीं कोई एक पैगम्बर नहीं मैं पूछूँ कि हिंदुइज़्म का एक प्रॉफिट का नाम बताइए कोई अब बताने की स्थिति में नहीं है तीसरा मैं पूछूं कोई निश्चित पुरोहित वर्ग नहीं नॉट एनी डेफिनेट प्रोटेक्ट सॉरी प्रिस्ट क्लास, नॉट एनी डेफिनेट प्रिस्ट क्लास मतलब इसमें कोई निश्चित पुरोहित वर्ग नहीं आप कहोगे ब्राह्मण तो केवल एक ही वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं उनसे इतर भी तो बहुत सारे हैं जो ब्राह्मण वाद की राइट्स को या उनकी वर्डिक को नहीं मानते उन्होंने अपना अलग सेक्ट बना रखा है तो ऐसे तो ये तो पूरा जंगल है जिसमें इतने पेड़ पौधे हैं इसमें कोई एक क्लेम नहीं कर सकता कि मैं जंगल का राजा हूं किंग ऑफ द फॉरेस्ट तो ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट तरह की चीज़ है फिर कोई निश्चित विश्वास नहीं और ना ही कोई निश्चित नियम नो कंपल्सरी बिलीव और राइट्स ऑफ वर्ड अब कोई ईश्वर को साकार रूप में पूज रहा साकार का मतलब है आकार के साथ कोई निराकार रूप में पूज रहा कोई तंत्र मंत्र से पूज रहा समोन इंफेसाइजिंग भक्तिज्म कुछ ऐसे हैं जो भक्ति पर बल दे रहे हैं कुछ तांत्रिकसिज्म यानी तंत्रवाद पर बल दे रहे हैं कुछ है जो आत्मा ब्रह्म के संबंधों को अद्वैत चिंतन पर निराकार ईश्वर पर बल दे रहे हैं तो मतलब इतनी विविधताएं हैं इसमें और कोई किसी पर बंदिश नहीं लगाता कि आप इसी तरीके से पूजिए आप अपना मार्ग दिखा के हट जाइए अब यह हमारा काम है कि हम आपको फॉलो करें या अपना अलग पैरामीटर्स डेवलप करें तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और कोई निश्चित विश्वास नहीं कोई निश्चित नियम नहीं तो ये आप समझ गए अब हिंदू धर्म की पहचान सनातन धर्म के रूप में हिंदुइज्म कैरेक्टराइज एट सनातन धर्म और इटर्नल रिलीजन अब ये सनातन धर्म कई बार बच्चे हमसे पहले भी सवाल करते हैं कि सर सनातन धर्म क्या होता है पार्ट पार्ट में जानने से याद नहीं रहता है सो यू हैव टू गिव फोकस ओवर द होल पिक्चर इफ द पिक्चर वुड बी क्लियर एवरीथिंग वुड बी क्लियर इसलिए हम हमेशा वर्टिकल स्टडी के साथ ऑरिजेंटल स्टडी पर बल देते हैं कि आप लंबत पढ़ाई तो करिए लेकिन जब तक क्षेत्रीय पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक आप एक्सटेम्पोर किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे सनातन ये तो शब्द से ही पता चलता है बहुत प्राचीन और अगर आप टाइम पीरियड वाइज देखोगे तो हिंदुइज्म का ओरिजिन आप कहाँ से मानोगे अब हिंदुइज्म का आज मैं पूछूं कि माई स्टूडेंट्स या व्यूअर्स आप बताइए कि हिंदुइज्म का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आपको क्या लगता है तो डेफिनेटली आप कही कहीं ना कहीं मूर्ति पूजा की तरफ जाएंगे फिर मैं आगे भी इस बात की चर्चा करूंगा ये पहली बार नहीं कर रहा तो आप अगर आइडल वर्शिप की तरफ जाएंगे तो वैदिक काल में आइडल वर्शिप तो है नहीं तो आप पीछे जाएंगे तो आपको हरप्पन सिविलाइजेशन हरप्पा सभ्यता में ही आपको आइडल वर्शिप मिलेगा मिलेगा, मदर गॉडेस मिलेंगे ट्री कल्ट एनिमल कल्ट वाटर कल्ट फायर कल्ट सब वहां मिलेगा जो आगे चलकर हिंदुइज्म का पार्ट बन जाएगा तो ये आपको हरप्पन सिविलाइजेशन दिखेगा और अगर इसमें जाएंगे तो थ्री थाउजेंड बीसी

पेपर्स उलझे रहेंगे हम उसको डिसोसिएट नहीं कर सकते तो वही होती है हिस्ट्री में भी कि हमारे जो कॉमन एंसेस्टर्स हैं उसको हम कैसे डिनाई कर सकते हैं तो हरप्पन सिविलाइजेशन हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का अचीवमेंट है इट रिप्रेटेड द वन ऑफ द अर्लिएस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड एंड फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट यह दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में एक थी और भारत में पहले नगरीकरण की अवस्था को दर्शाती है तो हम लोग इस पर हम लोगों को इस पर गर्व है तो ये सिविलाइजेशन है अब अगर इसको न मान के कुछ लोग वैदिक सिविलाइजेशन को भी मानेंगे तो वैदिक सिविलाइजेशन में तो 1500 हंड्रेड तक आप पीछे जाते ही हो यानी बिफोर कॉमन एरा अब इसको बिफोर क्राइस्ट नहीं कहा जाता बिफोर कॉमन एरा तो आप इतना पीछे जाते हो तो जाहिर है कि इस समय तक कोई भी जड़थ्रूस धर्म को देखोगे तो क्या सिक्स हंड्रेड आप आप अगर सिक्स या सेवन हंड्रेड में है आप अगर कन्फ्यूशियस बाद को भी देखोगे तो 600, 700 सेवन हंड्रेड बी सी बाकी लाओसे भी उसी पीरियड का है तो मतलब इससे पुराना कोई धर्म दिखता नहीं अखनाटन और मोन्थिजम एक सुनने को मिलता है 1400 हंड्रेड में चौदह ईसा पूर्व के लगभग अखनाटन जो मिस्र का शासक हुआ था लेकिन उसका भी जो एकेश्वरवाद एक है वो वैदिक शिवलाशन के बाद का है तो इसलिए हम इसको सनातन धर्म इस लिहाजन बोल सकते हैं ओके तो माय स्टूडेंट्स अब इसके बाद आप अगर आगे चलोगे तो मैं आपको इसके बाद यहां तक ही बताना चाहता कि थोड़ा सा मैं कुछ खास बातों को बताना चाहता उसके बाद आप एक हिस्टोरिकल सर्वे करेंगे जिसमें मैं आपको वैदिक शिवलेशन ऑन ले जाऊंगा और वहाँ पर दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हिंदू धर्म पहले हिंदू एक पहचान ज्योग्राफिकल पहचान के साथ उठी फिर कैसे हमारे भारत के प्राचीन धार्मिक पंथ का एवोल्यूशन हुआ हम कहाँ से हिंदू धर्म माने फिर आपको यह बताया जाएगा कि हिंदू धर्म के बाद जो हिंदू संप्रदाय की अवधारणा आई उस पर क्या मत हैं और फिर यहां से आगे बढ़ते हुए हम आपको हिंदु तक हिंदुत्व तक की यात्रा कराएंगे और जो कॉम्प्लिकेशन आया है इसके इंटरप्रिटेशन में वो भी आपके साथ शेयर करेंगे अब यहां पर मैं ये दिखाना चाहता कि पहले आप वैदिक धर्म में देखिए आज देखिए आप में से बहुत लोग हिंदुइज्म को समझते होंगे बल्कि सभी लोग समझते होंगे आई एम गोइंग टू आस्क यू सिंगल क्वेश्चन कि आप में से मुझे मेरे ऑडियंस में बताएं कि अगर आज मैं आपसे पूछूं कि हिंदुइजम की सबसे महत्वपूर्ण पहचान क्या है व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ हिंदुइज तो आप क्या कहोगे यज्ञ या मंदिर और भक्तिज्म मंदिर पूजा तीर्थयात्रा क्या कहोगे आप तो मुझे लगता है कि जैसे मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं देर इज समर्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अस कम्युनिकेशन बिटवीन अस क्योंकि हम मानकर चलते हैं कि हमारे आपके बीच अब एक कम्युनिकेशन जुड़ चुका है इस लिहाजा मानते हैं कि आपकी आवाज आ रही है मंदिर और मूर्ति पूजा को आज कोई एक औसत आदमी जो एक औसत इंडियन होगा जो कॉमन इंडियन होगा उससे पूछे हिंदुज्म क्या है तो कहेंगे मंदिर मूर्ति पूजा पुरोहित वर्ग आदि इसमें से कोई भी आपको वैदिक पीरियड में नजर नहीं आएगा यहां पर क्या है पोलिथिज्म तो है जैसे अनेक देवताओं की पूजा है प्रकृति कि जिन अवयों को नहीं समझ पाए गुथियों को उसका उन्होंने दैवीकरण कर दिया डाइफिकेशन ऑफ नेचर लेकिन और मेल गॉड्स की प्रधानता है फीमेल गॉड्स भी है लेकिन यहां पर आपको कोई गॉड मानव रूप में नहीं दिखते एक परिकल्पना है इंद्र भी परिकल्पना है युद्ध में लीड कर रहे अग्नि परिकल्पना है अग्नि तो दिख भी रही है खैर जलती हुई लेकिन देवता के रूप में तो परिकल्पना ही है उसकी कोई मूर्ति तो नहीं दिखेगी आपको वरुण जो एक पवित्र देवता हैं उनको जन उनको सॉरी उनको हृत गोप कहा गया इवन दैट इज सिंपली इन योर परसेप्शन देर इज नो ह्यूमन शेप एंथोमो जैसे उसका कोई भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा जिससे आपको कोई एनिमल या कोई ह्यूमन शेप में आपको पूजा दिखेगी तो इसका मतलब है कि चलिए जो भी है निराकार ही है कोई आकार है नहीं तो मूर्ति पूजा का प्रश्न ही नहीं उठता मंदिर तो दूर दूर तक नहीं है मंदिर तो हर सभ्यता में भी नहीं था कल मूर्ति पूजा मिल हुई है मंदिर का तो नो ट्रेस ऑफ द टेम्पल फार एंड फिर अब आपको मैंने क्रिश्चियनिटी में भी कहा इस्लाम में भी कहा यहूदीवाद में भी कहा सबका फीचर है मोनोथिज्म का मतलब होता है एक गॉड है जो निराकार है निराकार ओके okay? इसमें देखिए इसमें कॉन्सेप्ट है बहुदेववाद पोलिथिज्म बहुदेववाद बहुदेववाद का मतलब है कि एक साथ आप अनेक देवताओं की पूजा करते हो लेकिन दैट इज पोलिथिज्म दैट इज नॉट द सिंगल वन फीचर आई हैव जस्ट रिटर्न इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ देर इज धार्मिक एकाधिक एकवाद एक होता है धार्मिक एकाधिक एकवाद क्योंकि ये जो इसको कहते हैं इंग्लिश में कैथनोथिज्म ऑल दू विल फाइन अनदर नेम एज वेल एंड दैट इज हेनोथिज्म धार्मिक एकाधिक एकवाद अब आपको जिज्ञासा होगी भाई ये क्या है देखिए धार्मिक एक क्या क्या में होता है कि हम कई कई देवताओं की पूजा करते हैं और अलग अलग समय में अलग अलग देवता को श्रेष्ठ समझते हैं एंड वी आर वर्शिपिंग यू कैन से मेनी गॉड्स एंड वी आर टेकिंग ईच गॉड एज द मोस्ट सुपीरियर एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम जैसे आज भी हिंदुइज़्म में देखोगे तो है जैसे आज अगर कोई स्टूडेंट चाहे कि चलो मैं एक देवता की पूजा करूं और जहां पर जो सबसे श्रेष्ठ हों और सुनिश्चित हो जाए तो यू विल बी कन्फ्यूज कभी देखोगे अपनी माइथोलॉजी में कि विष्णु और शिव ब्रह्मा के पास जाकर उपासना कर रहे हैं और ब्रह्मा आंख बंद करके बैठे हुए हैं वो कोई खास नोटिस नहीं कर रहे और एट द सेकेंड वन प्लेस यू फाइंड दैट कि द सेम ब्रह्मा एंड विष्णु आर जस्ट रसिंग टू माउंट कैलाश टू वर्सिप शिवा सीकिंग हेल्प फ्रॉम शिवा लॉर्ड शिवा मतलब वो शिव का हेल्प लेने के लिए जा रहे हैं माउंट कैलाश पर और शिव योग की मुद्रा में बैठे हुए हैं उन लोगों को कोई खास वेटेज नहीं दे रहे हैं मैंने उन देवताओं को तो आपको लगे कि यार ब्रह्मा है लेकिन ये शिव ज्यादा सुपीरियर है तीसरी स्टोरी में देखोगे कि विष्णु लॉर्ड विष्णु एकदम इस पर पर सोए हुए हैं नाग के आसन पर और विष्णु और और ये शिव और ब्रह्मा उनको प्रार्थना कर रहे हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो कुछ खास केयर नहीं ले रहे हैं मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं केवल इसका मतलब होता है नहीं विष्णु सुपीरियर ऑफ ऑल अब आपको पता चलता है मैथोलॉजी में एक ऐसा डेमोन आया एक ऐसा राक्षस आया है जिसने मतलब सारे देवताओं को पराजित कर दिया है तो सभी देवता देवी के पास दौड़ती है और तब देवी प्रकट होती है और राक्षस का बंध करती है आपको लगेगा ये सबसे सुप्रिय और लास्ट में फिर आपको सूचना मिलती है ये सभी एक हैं और हिंदू माइथोलॉजी में आप समझ सकते हो 33 मिलियन गॉड 330 मिलियन गॉड की परिकल्पना की गई और उसको कम करते करते 30 गॉड और फिर एक गॉड तो आपको दिलचस्प चीज यह दिखेगी कि बहुदेववाद धार्मिक एक एंड लास्टली एक, एक केशववाद मोनोथिज्म और मोनोथिज्म का भी थोड़ा सा ज्यादा परिष्कृत रूप है उसको कहते हैं मोनिज्म चाहे देखिए अब इस्लाम में या फिर अब जुडाइज्म में या क्रिश्चियनिटी में मोनोथिज्म शब्द का प्रयोग होता है लेकिन जो फिर वैदिक परंपरा है वहां से भारत की फिलॉसफी में भी यह चीज आई है उसको कहते हैं मोनिज्म अद्वैतवाद एकेश्वरवाद और अद्वैतवाद अद्वैतवाद एक किश्वरवाद का भी ज्यादा विकसित रूप है आप ऐसे मतलब हालांकि उदाहरण देना दैट इज नॉट द प्रॉपर एग्जाम्पल लेकिन थोड़ा सा आपको ज्यादा समझाने के लिए मैं बताऊं कि अगर एक किश्वरवाद मक्खन है तो अद्वैतवाद उसमें घी है क्योंकि वो और भी परिष्कृत है जैसे जब आप आते हो वेदांत यानी वैदिक लिटरेचर में आते हो तो पहले वेद ब्राह्मण ग्रंथ अरण्यक और फिर उपनिषद तो उपनिषद में जाकर यज्ञ की आलोचना करते हैं पर किस पर बल दिया गया है यज्ञ पर सैक्रिफाइस एक निराकार ईश्वर है उनका आराधना करते हो अग्नि में आहुति डालते हो देवता तक पहुंचता है यज्ञ जो आज भी पंडित जी हमारे घर पर कोई पुरोहित कराते हैं किसी ऑस्पिशियस डे के दिन आपका कोई मकान का इनोग्रेशन हो रहा हो या कोई खास ऑस्पिशियस डे है कोई ऐसा ऐसा एक पवित्र दिन है तो उस दिन वो आकर यज्ञ अभी भी कराते हैं और उसमें हवन होता है आपको याद होगा इसमें स्वाहा के मंत्रोच्चारण के साथ जिसे आप पूरा करते हो दैट इज ऑल्सो सेक्रीफाइस ऑनली डिफ्रेंसिस कि वहाँ पर लाइव एनिमल्स को भी दिया जाता था बलि अब उसको सिम्बोलिकली ग्रेन्स वगैरह में दिया जाता है हालांकि कुछ क्षेत्रों में बलि प्रथा आज भी प्रचलित है तो दैट इज द फॉर्म ऑफ सेक्रीफाइस ओके अब वहां से वैदिक ग्रंथ है उपनिषद ने आके यज्ञ की तुलना फूटे हुए नाव से की और ब्रह्मा आत्मा और ब्रह्मा दोनों की एकता की बात की और आत्मा ही ब्रह्म है यानी एक सर्वोत् सर्वोत्मा मतलब सर्वोच्च आत्मा है यानी यूनिवर्सल सोल है दैट इज यू कैन से यूनिवर्सल सोल एंड इज समर्ट ऑफ आप कह सकते हो कि वह पैंथिजम मतलब वो चारों तरफ फैला हुआ है पूरी सृष्टि में समाया हुआ है व्यू और वह हम में भी है आप में भी है सब में है तो एक ही सोल सब में है 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 ब्रह्म वही ब्रह्म है और वही वही और सोल है, तो अद्वैतवाद वो अद्वैतवाद है जो आत्मा परमात्मा की एकता की बात करता है ओके okay, तो दिस इज दरी अनोखा चीज है क्योंकि ये चीज बाकी जो मोनोथिज्म देखोगे वहां ईश्वर और जो मानव है उसके फॉलोअर्स हैं उनकी एकता की बात नहीं करता ये बताता है जो मुझ में तुम हो और तुम में मैं हूं मतलब हम दोनों एक हैं उसने कहा कि ब्रह्म और जीव दोनों एक है और जो भी विभेद नजर आता है वो अज्ञान के कारण तो चलिए इतनी चीजें वैदिक में है लेकिन मंदिर नहीं है मूर्ति पूजा नहीं है एक पुरोहित वर्ग तो है लेकिन वो पुरोहित वर्ग टेंपल कल से नहीं जुड़ा हुआ है केवल सेक्रीफाइस आदि है चलिए अब आगे देखिए हम यह मानकर चलते हैं कि हमें इंडियन हिस्ट्री पढ़ना हो या वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना हो या, या सॉरी हमें इंडियन सोसाइटी देखना हो या इंडियन रिलीजन देखना हो इंडियन पॉलिटी देखना हो इंडियन कल्चर देखना हो व्हाट एवर यू प्रेफर टू जस्ट ऑब्जर्व जब तक हमें एक कोनोलॉजी का ज्ञान नहीं होगा कि इंडिया कैसे इवॉल्व किया या वर्ल्ड कैसे इवॉल्व किया तब तक वी कैन नेवर डू जस्टिस एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स इट्स माय पर्सनल बिलीफ इसलिए मैं सबको इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा अपने ऑडियंस को जो हमसे जुड़े हुए हैं कि आपका चाहे आप हिस्ट्री है तो सो इज द बेटर अगर हिस्ट्री नहीं है आपका कोई अदर सब्जेक्ट्स है तो अभी आप एक हिस्ट्री का कोनोलॉजी जरूर बेस क्लियर करिए दैट इज गोइंग टू बेनिफिट यू अलॉट इन अदर सब्जेक्ट्स एज वेल तो आप यहां पर अब आप देखते हो बुद्धा एज पर आए तो बुद्धा एज में आकर आपको अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम बना दू तो देखिए ये इंग्लिश में ही लिख देता हूं वैदिक पीरियड है दोनों में लिखने में टाइम लग जाएगा इसलिए थोड़ा सा हमें वैदिक पीरियड अब वैदिक पीरियड जब चला तो सिक्स सेंचुरी बीसी में जिसको वगैरह कहते वहां तक आकर इसके अगेंस्ट में हो रही है एक तो वैदिक सेक्रीफाइस के अगेंस्ट में या उसको रिचुअलिज्म कहोगे रिचुअलिज्म कहते हैं कर्म कांड को बहुत ज्यादा कर्म कांड हो गया तो उसके अगेंस्ट में प्रतिक्रिया हो रही है अब जब आप यह प्रतिक्रिया देखोगे तो यह प्रतिक्रिया आपको आती है सबसे पहले उपनिषद आज यानी उपनिषद का जो चिंतन है उपनिषद हालांकि वो वेद से ही जुड़ा हुआ है तो उसकी प्रतिक्रिया हुई है। क्योंकि इसने सेक्रीफाइस और कर्मकांड के विरुद्ध प्रतिक्रिया दिखाई कहा कि यज्ञ एक फूटे हुए नाव है उस पर बैठकर हम भाव सागर पार नहीं कर सकते यानी सेक्रीफाइस कैन नेवर कैरी अस टू पाथ ऑफ सेल्वेशन देखो वैदिक काल में मोक्ष की अवधारणा नहीं थी आज अगर मैं अपने दर्शक से अपने स्टूडेंट से पूछूं कि क्या आप मोक्ष शब्द से वाकिफ हैं तो मुझे लगता है कि कुछ लोग हो सकता है वाकिफ नहीं होंगे मोक्ष का मतलब होता है सांसारिक बंधनों से मुक्त होना मतलब ये जो वर्ल्डली पुल्स हैं वर्ली पुल से मुक्त होना यानी ये सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर जब हम शांत अवस्था में पहुंचते हैं मैंने इनका एक एक कॉन्सेप्ट यह है कि देखो जब मोक्ष की अवधारणा आएगी तो पुनर्जन्म और कर्म की अवधारणा आएगी क्योंकि जब मोक्ष की अवधारणा आएगी तो कुछ लोग मोक्ष चाहेंगे तो पहले उनको यह पता करना होगा कि आपको मोक्ष चाहिए तो पहले यह यह मानिए कि मोक्ष के लिए क्या आवश्यक है तो वह पहले एक्सप्लोर करेंगे भाई इसके लिए रिवर्थ को रोकना पड़ेगा पुनर्जन्म को रोकना पड़ेगा ओके okay? जैसे वैदिक काल में जो वैदिक आर्यंस थे उनकी दृष्टि इहलौकिक थीलौकिक का मतलब है कि वह इस संसार और शरीर को ही महत्व तो देते थे दे वे दिस वर्ल्डली इन देयर अप्रोच एंड दे गिव दे वे आर गिविंग इम्फेसिस ओवर दिस दिस वर्ल्डलीनेस एज वेल एज द यू कैन से इंपॉर्टेंस ऑफ द फिजिकल बॉडी एंड फिजिकल हैप्पीनेस वो क्या करते थे तो प्रजापुत्र और धान्य के लिए उपासना करते थे वो मोक्ष के लिए उपासना नहीं करते थे लेकिन वैदिक काल के अंत में एग्जैक्टली exactly अब ये अवधारणा आने लगी जिसे आप कहते हो सेल्वेशन मोक्ष तो मोक्ष की अवधारणा इस तरह से आई कि धीरे धीरे यह परिकल्पना आने लगी कि मरने के बाद पहले था कि हम हाउस ऑफ फादर या हाउस ऑफ क्ले में जाते हैं और वहीं रह जाते हैं अब वह नहीं हम वहाँ से चले आते हैं अंतरिक्ष में वी आर मूविंग टू स्पेस और अंतरिक्ष से हम चले आते हैं क्लाउड में बादल में और बादल से हम वर्षा की बूंद बनकर इस पृथ्वी पर गिर जाते हैं और अपने तरह तरह की अवतार ग्रहण करते हैं जैसे कोई मानव के अवतार में कोई कीट पतंगे कुछ पेड़ पौधे व्हाट एवर में भी तो अब ये बड़ा आवश्यक हो गया जानना क्योंकि ये बातें आई तो कुछ लोग तो काफी खुश हुए कि यार चलो ये लाइफ का एंड नहीं है इसके बाद भी एक जीवन है और दूसरा कुछ लोग सोचने लगे यार ये तो बहुत मोनोटोनस है बार बार पैदा होना बार बार मरना दैट इज नॉट डिजायर्ड तो अब वो एक्सप्लोर करने लगे कि आखिर इस साइकिल को हम रोके कैसे तो इफ यू हैव टू गिव सम सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट टू अ डिजीज सो फर्स्टली यू आर सपोज टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉज ऑफ द डिजीज तो जब उन्होंने खोजना शुरू किया तो पता चला इसका कारण कर्म है कर्म का मतलब हुआ कि यहां कर्म का मतलब अच्छा कर्म या बुरा कर्म नहीं है हमारी आत्मा जो बंधन में जकड़ी हुई है तो उस कारण से हम कर्म करते जाते हैं और वो कर्म संचित है और जब तक वह कर्म रहेगा तब तक पुनर्जन्म होता रहेगा इसलिए इस कर्म को समाप्त करना पड़ेगा अगर पुनर्जन्म रोकना है और पुनर्जन रुकेगा तो मोक्ष होगा तो तीन अवधारणा आ गई कर्म पुनर्जन और मोक्ष तो इस काल के जो अधिकांश धार्मिक पंथ है माइ स्टूडेंट्स एक तो मैंने उपनिषद कहा दूसरा मैं नाम ले रहा हूं यह जैनिज्म जैनिज्म और तीसरा मैं दे रहा हूं जैनिज्म का मतलब जैन पंथ जैन पंथ और तीसरा है बुद्धिज्म ये तीनों में एक कॉमन पॉइंट है और कई अनकॉमन पॉइंट भी है कि जो बुद्धिज्म है और जैनिज्म और उपनिषद ये तीनों कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा और मोक्ष की अवधारणा को मानकर चलते हैं तीनों तीनों के नाम अलग अलग हैं लेकिन तीनों कर्म पुनर्जन्म और मुक्त की अवधारणा को मानकर चलते हैं दैट इज द कॉमन पॉइंट डिफरेंट पॉइंट क्या है कि उपनिषद की जड़ वैदिक धर्म में है और जैनिज्म और बुद्धिज्म वैदिक कर्मकांड और वैदिक धार्मिक परंपरा को अस्वीकार करता है और चूंकि वैदिक धार्मिक परंपरा को अस्वीकार करता है इसलिए इनका नाम दिया गया नास्तिकतावादी मतलब आप समझ सकते हो कि नास्तिकतावादी जो टर्म आया है एथिज्म तो एथिस्टिक या एथिज्म तो ये टर्म ही आया है इन्हीं के लिए सबसे पहले क्योंकि इन्होंने वैदिक धर्म और वैदिक परंपरा को अस्वीकार कर दिया इन्होंने उसको नहीं मानते कर्मकांड की आलोचना करते सैक्रिफाइस की आलोचना करते एक बात हमें ध्यान करना पड़ेगा कि जब आप वैदिक धर्म का विकास देख रहे हो और वैदिक धर्म के विकास के बाद अर्ली मेडिवल एज तक की मैं थोड़ी सी यात्रा आपको कराऊंगा तो एक चीज़ साइड बाई साइड और भी डेवलप कर रहा है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते वह है इंडिया का कास्ट सिस्टम कास्ट सिस्टम भी कहीं ना कहीं इस सो, ये हिंदुइज़्म के साथ साथ ही डेवलप कर रहा है तो कास्ट सिस्टम में जैसे वैदिक काल में ही आप देखते हो कि सबसे पहले वर्ण की अवधारणा थी तो चलो ऋग्वैदिक काल तक तो ये वर्ण में कोई विभाजन वैसा खास नहीं था ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे तो थे लेकिन अभी शूद्र का प्रॉपर विकास नहीं हुआ था और वैश्य भी विष कहा जाता था प्रॉपर वैश्य नहीं था लेकिन जिसको आप कास्ट सिस्टम कहते हो उसका पहला ऑरिजिन आपको पुरुष सूक्त में देखने को मिलता है पुरुष सु वैसे तो पुरुष सुक्ता इज द पार्ट ऑफ द ऋग्वेदा तो आपको ऊपर से देखने पर ऐसा लगेगा कि कास्ट सिस्टम ऋग्वेदा का हिस्सा है बट फे नेवर यू विल गो इन टू द टू रियलाइज कि नो no, पुरुष हैज सुक्ता एडेड लेटर पुरुष सुक्ता बाद की देन है तो इसलिए पुरुष सूक्त से कास्ट सिस्टम मतलब लेटर वैदिक पीरियड में वो उसका वो इंटरपोलेशन इंटरपोलेशन का मतलब होता है जो बाद में जोड़ा गया हो तो बाद का जोड़ा गया आंसर तो उसमें कहा गया कि एक आदि पुरुष से उसका सैक्रिफाइस हुआ था मतलब बलि परी थी तो उसके चार अंगों से चार वर्ण निकले हैं जिसमें मुख से ब्राह्मण निकले भुजा से क्षत्रिय जंघा से वैश्य और पैर से सुधर तो एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन तो यहीं से शुरू हो गया दूसरी बात है कि उस जाति व्यवस्था को एक धार्मिक आधार भी दिया गया मतलब दो बातें इसने सिद्ध कर दी एक तो वर्ण वर्ण विभाजन ईश्वर निर्मित है ईश्वर ने बनाया है इसमें मानव का कोई वश नहीं और जो ईश्वर बनाते हैं उसको आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं नंबर वन नंबर टू कि भाई इन वर्णों में डिवीजन है पैर पैर है और मुख मुख है तो ये दो बातें तो यही तय हो गई चाहे इसके लिए हम कितनी भी बातें करें कोई हिस्टोरियन लेकिन कोई कहे कि क्या ये पुरुष सूक्त की और जो कॉन्सेप्ट पुरुष सूक्त का कॉन्सेप्ट का कोई रीइंटरप्रिटेशन कर सकता है लेकिन पुरुष सूक्त में जो कहा गया है उसको हम कैसे डिनाई कर सकते हैं तो वहां से शुरू हुआ फिर जब आप बुद्ध काल में आओगे तो बुद्ध काल तक आकर जो ये चतुर्वर्ण व्यवस्था है चार वन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वो और क्लिष्ट हो गया क्लिष्ट इसलिए हुआ कि उस समय धीरे धीरे आप देखोगे वेदांग लिखे गए वेदांग में ही एक था कल्प सूत्र उसका पाठ था सूत्र उसके चार लेखक हुए और वो चार लेखक ब्राह्मणवादी लेखक हुए गौतम बौद्धा वाशिष्ठ और आपस्तम्भ तो उन्होंने उसको बड़ा सूत्र लिखकर उस पर उसको और भी क्लिष्ट बना दिया उन्होंने मतलब जन्म को आधार बना दिया कि अगर आप ब्राह्मण हो पहले क्या था कि पहले लोग पेशे बदलकर अपने वर्ण को बदल सकते थे अब अगर जो जिस वर्ण में पैदा हुआ है उसे उसी वर्ण में रहना है अब कैन यू इमेजिन दैट कि हम कैसे ऐसा क्लेम कर सकते हैं डिवीजन तो शुरू हो गया सोसाइटी में अब ये जो जैनिज्म और बुद्धिज्म आया है तो जैनिज्म थोड़ा कम और बुद्धिज्म ने कास्ट सिस्टम को भी चैलेंज किया कहा कि नहीं हम ब्राह्मणवादी कास्ट सिस्टम को नहीं मानते हम नहीं मानते ईश्वर निर्मित है, है जैनिज्म ने भी उसके कास्ट सिस्टम में आस्था नहीं दिखाई लेकिन इधर जो वैदिक परंपरा है वो धीरे धीरे ब्राह्मणिज्म के रूप में ढलना शुरू कर दिया ओके इधर बुद्धिज्म जैनिज्म आया अब एक बात मैं आपको और बताना चाहता कि ये चौथा एक ग्रुप और आया है जिसके बारे में शायद आप लोग जानते होंगे इसको कहते हैं भौतिकतावादी चिंतक मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूं मटेरियलिस्टिक ग्रुप मटेरियलिस्टिक ग्रुप अब ये जो ग्रुप है मैंने सबकी थोड़ी थोड़ी सी झलक मैं दे पाऊंगा क्योंकि लंबी यात्रा है आप जान रहे तो ये भौतिकतावादी चिंतक में तो वैसे अजित के स्कम्बलिंग थे पकुद कात्यायन थे पूरन कश्यप थे आजीपक पंथ के संस्थापक मखली गोशाल थे तो अब सम टोटल, सबका सम अलग अलग फिलोसफी है उसकी गहराई में मैं नहीं जाऊंगा इतना ही मैं आपको बता देता हूं ये चिंतक हैं, ये चिंतक मानकर चलते हैं कि कर्म पुनर्जन्म होता है और मोक्ष प्राप्ति की गुंजाइश है अंतर केवल यह है कि उपनिषद जिसको मोक्ष कहता है जैन धर्म उसको कैवल कहता है और बौद्ध पंथ उसको निर्वाण कहता है और तरीका भी इनका अलग अलग है आपस में ये कॉम्पीट कर रहे हैं कि भाई चलो हम आपको ऐसे मोक्ष दिलवाएंगे मतलब निर्वाण अष्टांगिक मार्ग जैनिज्म कह का रहा है काया क्लेश करने से आपको मिलेगा और उपनिषद कह रहा है कुछ नहीं करना है रियलाइज कीजिए कि आप ब्रह्म हैं ये ज्ञान आपको हो गया आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी सारे बंधन टूट जाएंगे पुनर्जन्म से आप मुक्त हो जाएंगे इधर ये जो आए ये सबको अस्वीकार कर दिया जैनिज्म को भी बुद्धिज्म को उपनिषद को सबको अस्वीकार कर इन्होंने कहा कि देखिए ना कर्म होता है ना पुनर्जन्म होता है और मोक्ष का तो मतलब ही नहीं है ये संसार दिख रहा है चारवाक बाद में इसी परंपरा से आया अजीत के कम्बलिन की परंपरा से चारवाक जो ज्ञान मीमांसा का प्रवर्तक है आपको पता है उसने कहा कि गोचर जगत ही सत्य है जो आपको दिख रहा है राजा ही ईश्वर है मृत्यु जीवन का अंत है और प्रत्यक्ष अनुभव ही ज्ञान का साधन है मतलब दिस टेंजिबल वर्ल्ड इज द रियल वर्ल्ड दिस इज द ट्रूथ नथिंग एल्स वी दैट किंग इज गॉड एंड डेथ इज द एंड ऑफ लाइफ नॉट सिंपली दैट द यू कैन सी योर एक्सपीरियंस योर मैनिफेस्टेशन इन रियल लाइफ दैट इज द सोर्स ऑफ नॉलेज नथिंग एल्स तो अब इतनी बातें जब इसने कह दी अब तो बातें समझ सकते हो अब मुंडे मुंडे मतर भी ना ये ये सभी आगे चलकर हिंदुजम के पार्ट होंगे अब बुद्धिज्म अपना अस्तित्व तो अलग बनाए रखा लेकिन महायान बौद्ध पंथ तक क्या हुआ जैनिज्म चाह कर भी हाँ आज अब फिर सब अलग है जैसे जैनिज्म ने अपना अलग स्टेटस ले लिया सिखिज्म भी अलग होकर उनका अपना एक अलग स्टेटस है लेकिन एक समय ऐसा आया कि आपको बुद्धिज्म जैनिज्म और ये ब्राह्मणिज्म ये सब पार्ट मिलके एक समय ऐसा आया कि आपको ये लाइन ऑफ डिमार्केशन खींचना मुश्किल हो जाता कि ये क्या है ये क्या है ये क्या है क्योंकि तो आगे चलकर स्वयं बुद्धा को ही जो बुद्धिशत्व की परिकल्पना आएगी महायान धर्म में तो फिर महायान बौद्ध पंथ में तो बुद्धा को ही दशावतार में शामिल कर लिया जाएगा खैर वो बात आगे होगी तो इस समय के जो धार्मिक पंथ है उसमें दो बातें हैं सन्यास जीवन पर बल दिया गया मोक्ष और कर्म पुनर्जन्म पर बल दिया गया कुछ चिंतकों ने कर्म और पुनर्जन्म को नहीं माना अब आप समझ सकते हैं एक मिनट में रुकूंगा और एक मिनट यहाँ पर आपका टाइम लूंगा अब यूरोप में देखिए या इस्लामी जगत में देखिए पैगम्बर मोहम्मद के देहाफान के बाद कैलिफ हुए तो कैलिफ जो चार आरंभिक कैलिफ हुए जिसमें अबू बकर आए, उमर उस्मान और अली तो इन चार कैलिफ के समय भी आप समझ सकते हैं इन चार खलीफा के समय भी मतक नहीं हुआ और अंत में अली की परंपरा के बाद जाकर इसका वाइफर्केशन सिया और सुन्नी में हो गया और सिया और सुन्नी के बीच बहुत ज्यादा तनाव हो गया आपको आप पढ़ेंगे इस्लाम के इतिहास में तो आपको बहुत सारा तनाव हो गया और बहुत इस तनाव के कारण कई संघर्ष भी हुए करबला का वॉर वगैरह आप लोग जानते हो तो उसमें हुसैन हसन हुसैन वाली घटना आप जानते हो तो अब ये सारी चीजें उधर हुई इस क्रिश्चियनिटी में क्या हुई जो उसमें जो सॉरी ये ईसा मसीह थे ईसा मसीह के डेथ के बाद और उनका जब देहावशान हुआ तो उसके बाद इस से क्रूसिफिकेशन हुआ था उनके साथ तो बहुत आप, आप समझ सकते हो कि एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ कि जब मैं इस बात को पुस्तक में पढ़ने से नहीं जब मैं वेटिकन गया और वेटिकन में जब रियलाइज किया वहाँ जो पीटर का जो बेसिलिका था उसमें जब देखा और जब, जब जेसस क्राइस्ट को फील किया तो हमें लगा कि वो कैसा दर्दनाक दृश्य होगा कि ही वॉज़ क्रूसीफाइड एंड फॉर टेलिंग ट्रूथ कौन लोगों ने क्रूसीफाई किया क्यों किया तो रोमन इंपायर को परेशानियां थी कि मूर्ति पूजा का विरोध करते थे को देवता की तरफ प्रेजेंट करते थे तो उनकी जस हरकत ऐसे लगी कि मानो उनके अगेंस्ट में जा रही हो या विद्रोह खड़ा करना चाहते हैं तो उनको क्रूसीफाई कर दिया गया यहां पर महात्मा बुद्ध कहते हैं आत्मा और परमात्मा नहीं है अगर यूरोप होता तो उनको शायद जीने की अनुमति नहीं मिलती आत्मा और परमात्मा नहीं है और मैं आपको बताऊं कि उस समय के जो सबसे पावरफुल किंग कौन तो मगध के शासक बिंबिसार और उसका पुत्र अजाज शत्रु उसने वह एक तरफ ब्राह्मणिज्म को भी संरक्षण दे रहा था और दूसरी तरफ वह महात्मा बुद्ध को भी संरक्षण दे रहा था और महावीर को भी संरक्षण दे रहा था तो भारत में आपको एक बड़ी अजीब परंपरा दिखेगी आज तक धर्म के नाम पर यहां पर मतलब प्रोजिक्यूशन आपको जो मानना है मानिए हम हमारा आपका वैचारिक मतभेद होगा लेकिन वैचारिक मतभेद वायलेंस तक नहीं जाएगा आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते तो ये चीज उसी समय से बिल्डअप करने लगी बुद्धा ने कहा आत्मा और परमात्मा नहीं है महावीर ने भी देवताओं के अस्तित्व को नकार दिया ये भौतिकतावादी चिंतक जो चार थे ब्राह्मण अंदर से काफी खफा हुए होंगे क्योंकि इसलिए उनको नास्तिक पंथ में भी डाला इन सभी को नास्तिक एक उस समय के लिए बाईवर्ड था नास्तिक है आज भी देखते किसी के गार्जियन खपा होते हैं तो बोलते हैं नास्तिक है बच्चा तो ये नास्तिक शब्द उसमें एक तरह से विटुपरेटिव लैंग्वेज था था अदर ऑफ ब्रांडिंग थी वो वो ऐसा नहीं था कि नास्तिक शब्द आप किसी को कह देंगे भौतिकतावादी चिंतक थे उसमें बार कि उनके मुख से कहलवाया गया जदम जीवित सुखम जीवित ऋण कृतवा घृतम पीवित चारवाग जैसे विद्वान को जानबूझ के डिस्ग्रेस किया गया लेकिन चारवाक को किसी रूलर ने चाहे इस तरह की बात हमारे मतलब इंडिया में ये परंपरा रही कि जिस जिसको जो धार्मिक पंथ चलाना है चलाइए जो बोलना है जैन ग्रंथ ने तीन सौ धार्मिक संप्रदाय की बात की है उस समय था और बौद्ध ग्रंथ बासठ धार्मिक संप्रदायों की चर्चा करता है अब यहाँ से आप बढ़ते हैं बुद्ध काल या महाजनपद काल धार्मिक पंथों की बहुलता ब्राह्मण बौद्ध जैन भौतिकतावादी चिंतक सन्यास जीवन की प्रधानता ऐसे टीसीजम मोक्ष की अवधारणा अब यहां आई अब आप आते हैं मौर्य काल में अशोक महान तो अब यहां पर मैं यह कहना चाहता कि एक मजबूरी सत्ताधारी वर्ग की होती है कि जब वो विविधता होती है तो उस डायवर्सिटीज में वो हमेशा यूनिटी को खोजने का प्रयत्न करता है क्योंकि उसको लगता है कि अगर डाइवर्सिटीज होगी तो टूटन हो जाएगी विद्रोह होंगे तो अशोका का जो धम्मा है उस समय बुद्धिज्म की लोकप्रियता देखते हुए अशोक ने तरजीह तो बुद्धिज्म को दी लेकिन उसने जो अपना धार्मिक पंथ चलाया तो उसका मकसद यह था कि इनमें से सबसे कुछ अच्छी बातों को लिखते हुए एक कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में एक हम अपने पूरे साम्राज्य में स्टैब्लिस कर दें क्योंकि उसको डर था कि उसने बहुत बड़ा उस समय मौर्य का बना हुआ था जो हिंदू कुश रेंज से लेकर साउथ में ब्रह्मगिरी तक जाता था और इंडिया में इतने सोशल कल्चर और रीजनल डाइवर्सिटीज थी कि एक सीमेंटिंग फोर्स की जरूरत थी जो सबको जोड़ कर रख सके तो वो अपने धम्मा को उस प्रयत्न में लाने की कोशिश कर रहा है और है तो बुद्धिज्म की तरफ झुका उसका लेकिन जो बुद्धिज्म का बेसिक फिलोसफी है उसमें कई जगहों पर उसको आपको डिपार्चर देखने को मिलेगा आप खुद ही खोज कर देखिए उसमें आपको अष्टांगिक मार्ग नहीं मिलेगा उसमें आपको फोर नोबल ट्रुथ नहीं मिलेगा जो बुद्धिज्म का बेसिक एसेंस है उसमें आपको मोक्ष की अवधारणा नहीं मिलेगी हेवन यानी स्वर्ग की अवधारणा मिलेगी तो ये सब चीज़ें अशोका के धर्म को एक विशेष धर्म बनाता है ये कोई नई बात नहीं है इससे पहले ईरानी साम्राज्य ने भी जोरोस्टियनिज्म या जर्थुस धर्म का सहारा लिया था अपने एक स्टेट रिलीजन के रूप में यानी राज्य धर्म के रूप में और इधर जिस रोमन साम्राज्य ने जेसस क्राइस्ट को पनिश किया आगे पीटर नामक सेंट को पनिश किया वही कॉन्स्टेंटाइन के समय क्रिश्चियनिटी को एडॉप्ट कर लिया और फिर स्टेट रिलीजन उसने क्रिश्चियनिटी को बनाया क्योंकि साम्राज्य को जोड़ने के लिए एक रिलीजन की भी जरूरत होती है तो अशोका का धम्मा कुछ उसी तरह था जो विविधता में एकता खोजने का प्रयत्न था इट वॉज एन इनिशिएटिव इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटीज तो ये आप चले आए अब आप जब मौर्योत्तर काल में आते हैं पोस्ट मौर्य पीरियड में तो जिसको आप हिंदू धर्म का बेसिक फीचर्स आप जिसको बताते हैं वो हिंदू धर्म का बेसिक फीचर्स आपको यहां पर उभरते हुए दिखता है दैट इज पॉसिबली द बेसिक फीचर्स ऑफ हिंदुज्म अब इसमें हमने आपको बताया जैसे स्प्रेड ऑफ आर्यन कल्चर इन सॉरी टेरेबल ट्राइबल स्प्रेड ऑफ आर्यन कल्चर इन ट्राइबल रीजन जैसे आर्य संस्कृति का जनजातीय क्षेत्रों में प्रसार मतलब हुआ ऐसा कि उसमें तो खैर मार्क्सवादी विद्वान कुछ और कहते हैं वो तो हर चीज़ को इकोनॉमिक चेंज से जोड़ने की कोशिश करते हैं हम अभी उस पहलू पर ध्यान नहीं दे रहे यहाँ आई एम सिंपली गिविंग यू द इंफॉर्मेशन कि एक्चुअली व्हाट वाज़ द सिचुएशन एट दैट टाइम क्योंकि उस समय धीरे धीरे आर्य संस्कृति फैल रही थी किंग भी जानबूझकर कुछ पुरोहित क्लास में बुद्धिस्ट को जैना जैना सेंट्स को और सबसे बढ़कर ब्राह्मणिस्ट को यानी ब्राह्मण जो पुजारी थे पुरोहित वर्ग पुरोहित तीनों थे तो ब्राह्मण पुरोहित को बुद्धिस्ट को और जैना को क्योंकि उसमें तक तो बुद्धिस्ट भी इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया था ना वहाँ पर भी बुद्ध बुद्धिज्म में मोनेस्ट्री बन गई थी चैत्य और बिहार जिसको बोलते हो फिर अस्तूपात जगह, जगह जगह बनने लगे थे उधर जैना के भी अपनी मोनेस्ट्री बन गई थी तो सबका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो चुका था अब वो एक स्थापित धार्मिक पंथ बन चुके थे तो तीनों को भूमि अनुदान दिया जाता था ताकि आर्य संस्कृति को फैलाएं तो सीमावर्ती क्षेत्रों में वो अपने अपने ढंग से जब आर्य संस्कृति को फैला रहे थे तो देखिए कोई भी जो अथॉरिटी होगी हमें जो भारत में एक सबसे अहम चीज लगती है हम एक देखिए जब जरूरत हुई तो हम दूसरे कंट्री को हमने हमारा पक्षपात इंडिया के साथ नहीं है इंडिया में जो वीकनेस है उसको भी हम डिस्कस करेंगे आप में से कोई यह ना समझे कि कहीं भी मेरी राजनीतिक पक्षधरता है या कोई एक रीजनल लीनिंग्स है आई एम ट्राइंग एट माई बेस्ट हालांकि अगर मैं ऐसा दावा करूं कि आई एम गोइंग टू बी कम्प्लीट इम्पार्शियल तो वैसा हो नहीं सकता है किसी भी इंटेलेक्चुअल के साथ क्योंकि पीछे में आपका एक विचारधारा तो रहती है जो न चाहते हुए प्रोजेक्ट हो जाती है लेकिन उसके बावजूद भी एक इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी निभाने की कोशिश सभी को करना चाहिए बौद्धिक ईमानदारी जिसे आप कहते हो कि हम कोशिश करें कि जहाँ तक संभव हो सके हम सभी पक्षों को जाने और रखें और यही मैं अपने व्यूअर्स से भी उम्मीद करता हूं कि वन साइडेड विचार ना रखे हो सकता है कि आप हमसे डिफर कर रहे हो हो सकता है मैं आपसे डिफर कर रहा हूं लेकिन आपकी बात सुनी तो जाए यू आर एटलीस्ट यू आर हैविंग अ राइट टू आर्टिकुलेट योर सेल्फ वही जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में स्पेस विचारों के अभिव्यक्ति का कम होता जा रहा है हर देश में इंडिया में भी तो विचारों के अभिव्यक्ति के लिए स्पेस कम मत करिए इसको चलने दीजिए राइट टू एक्सप्रेशन है वो किसी भी इंसान की पहली पहचान है तो आप सभी पक्षों को जानने का साहस रखिए जानने का धैर्य रखिए जानने की जानने की सहनशीलता रखिए और तब जजमेंट लीजिए कि हुई इज राइट एंड हुई इज रॉन्ग तो आपके मन में एक सवाल खड़ा होगा कि सर जैसे हमने कॉकरोच मारने वाला है एग्जाम्पल और छिपकली मारने वाला एग्जाम्पल बताया यू कैन आस्किन वेरी वैलिड क्वेश्चन कि सर ऐसे में तो बौद्धिक अजगता आ जाएगी यस यू आर राइट लेकिन उसका एक रास्ता है होता है कुछ रेड लाइन्स होते हैं जो हमको फॉलो करना पड़ता है जैसे कोई भी ऐसी बात जो भारत की समन्वित संस्कृति के विरुद्ध जा रही हो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के विरुद्ध जा रही हो जो बात हमारे सामाजिक मूल्यों और नैतिक मूल्यों के विपरीत जा रही हो तो वैसी चीजों में कुछ हमें रेड लाइंस विशेषकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक्सेप्ट करना पड़ता है जब इस रेड लाइंस का उल्लंघन होता है तो फिर उसमें आपको कंपटीशन वाले एग्जाम में दिक्कत आ जाती है अब जैसे मैं एक साधारण से सा एग्जाम्पल बताता हूँ कई लोग धरलू से बोल जाते हैं मुगल विदेशी थे अब मुगल विदेशी थे आप बोलते हो उसके लिए हर्ज नहीं है लेकिन आप आगे नहीं सोचते कि इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ उसे आप समझ लें आपके पूरे गाँव के लोग हैं आपके दादाजी के दादाजी मतलब ग्रेट ग्रैंड के भी ग्रेट ग्रैंड उनके बारे में कहे कि भाई वह व्यक्ति इस गांव में रहने के अधिकारी नहीं थे वो बाहरी थे हड़प करता थे बोला जा रहा है उनको लेकिन आपका पोजिशन इलेटिमेट इलेटिमेट हो जाएगा मैंने योर पोजिशन वुड भी इलेटिमेट यानी अवैध हो जाएगा मतलब जब आपके दादाजी के दादाजी आपके यहां होने के कारण हैं और जब वो अवैध हुए तो आप कैसे अवैध रह गए तो मेरे विचार से एक हिस्टोरियन के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदेही होती है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कुछ भी बातें सोच समझ बोलना होता है और ये क्वेश्चन हमें क्लास में कितनी बार आ चुके मुगल विदेशी थे और मैंने अपने ढंग से उसको समझाया कि हम क्यों उनको विदेशी नहीं कहेंगे तो कुछ रेड लाइंस हैं जो हमें फॉलो करना है नहीं तो बौद्धिक अजगता आ जाती है यू आर राइट तो खैर चलिए अब मैं यहाँ पर आपको यह बताता हूँ कि यहाँ पर आपको धर्म के क्षेत्र में एक व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगा क्योंकि देखो दो तीन बातें हुई है यू हैव टू ऑब्जर्व द फैक्ट क्योंकि जब ये ट्राइबल रीजन्स में गए तो इनका दो तीन मकसद था कि एक तो लैंड ग्रांट्स मिला तो ये चाहते थे कि हमारी खेती का ही विस्तार हो तो खेती के विस्तार के लिए जो ट्राइबल लोग थे तो ब्राह्मीण लोग हों या बुद्धिस्ट मॉन्क्स हो उनको खेती सिखाते थे यू हैव टू डू कल्टीवेशन इन दिस मैनर अब वो कल्टिवेशन किया तो धीरे धीरे ट्राइबल्स हो गए एग्रीकल्चरिस्ट तो फिर ब्राह्मणों ने उनको जो बौद्ध भिक्षु हैं वो बुद्धिज्म की तरफ खींचा और ब्राह्मणों ने उनको हिंदुज्म की तरफ खींचा ब्राह्मणिज्म की तरफ खींचा और साथ में उनको अब्राहमिज्म के साथ तो कास्ट सिस्टम भी जुड़ा हुआ है तो आप अगर हिंदू होते तो कास्ट स्टेटस तो आपको देना पड़ेगा तो इसी क्रम में जब उनको कास्ट स्टेटस अलॉट किया जा रहा था तो जो जनजातीय मुखिया होता था उसको क्षत्रिय का स्टेटस मिलना था क्योंकि उसको तो थोड़ी रिश्वत नहीं दोगे तो क्यों आएगा और जो बाकी ट्राइल्समैन होते थे उसको सुधरा का स्टेटस देकर ले लिया जाता था तब तक कास्ट सिस्टम में एक और ग्रुप बनने लगा था उसको कहते हैं पंचम वो पंचम था वो चारों वर्ड में कहीं भी नहीं समाता था और उनको अछूत की श्रेणी में रख दिया गया था उसमें कुछ ट्राइवल्स थे कुछ खास पेशे से जुड़े हुए लोग जिनकी सामाजिक स्थिति गिर गई सोशल कंडीशन डिक्लाइन दे जस्ट गोइंग टू ज्वाइन दिस पंचम ग्रुप इस प्रकार से एक उधर भी कास्ट सिस्टम भी साथ ही साथ बन रहा था चल रहा था अब जो वो ट्राइवर्स लोग आए तो उनके पहले से धार्मिक विश्वास चले आ रहे थे उनके अपने देवता थे उनके अपने कुछ धार्मिक विश्वास था अब एक टर्म आता है भक्ति सम भक्ति तो मैं आपको बताना चाहता हूं जो भक्ति है यह बात तो तय है कि चलिए अब कहने के लिए कहेगा कि वे स्वेताश्वतर उपनिषद में भक्ति थी मानी भक्ति का तत्व था उसमें शिव की उपासना है तो जो प्रचंड वैदिकवादी होंगे मतलब मुझे नहीं समझ में आता है कि वैदिक आर्यंस को फेवर करने से क्या मिलेगा क्योंकि वैदिक आर्यंस जैसे उसी तरह सभी है सभी का कॉन्ट्रीब्यूशन है तो कुछ लोग वैदिक आर्यंस में चाहते हैं कि दुनिया की सारी अच्छाइयां हम वैदिक आर्यंस में ही खोल डालें तो वो दिखाते हैं कि भक्तिवाद भी वैदिक आर्यंस में लेकिन ये हम क्यों भूल जाते हैं कि वैदिक आर्यन से पहले यहाँ इंडिजिनस पीपुल भी तो थे हरप्पन पीपल भी तो थे, थे और वैदिक आर्यंस अगर बाहर से आए जिसको अभी जब तक आप खंडन नहीं कर देते हैं एविडेंस तक से तब तक आपको मानना पड़ेगा और एकेडमिक सर्कल में तो यही स्टेब्लिश्ड मत है और उस मत को हम डिनाई नहीं कर सकते तो वैदिक आर्यंस अगर बाहर से आए तो यहाँ के इंडिजिनस पीपल से वो मिक्सअप हुए तो कुछ वो भी तो लिए होंगे यहाँ के इंडिजिनस पीपुल से तो ये तो गिव एंड टेक है तो इसमें ये कहना ये ये लाए और इन्होंने इनको ये दिया ये सौगात दिया ये सब ये सब का मिला जुला एक हमारी समन्वित संस्कृति डेवलप हो रही थी तो उसी क्रम में आप देखेंगे कि अब एक भक्ति की अवधारणा मूर्ति पूजा तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी थी लेकिन स्पष्ट रूप में अब पूछा जाए कि भाई भक्ति कहाँ से आई तो इसमें ए एल वैशम अद्भुत भारत के लेखक हैं द वंडर दैट वॉज इंडिया कल्चर पर मैं उसको एक बहुत ही बढ़िया बुक मानता हूँ मतलब एक मास्टर पीस मानता हूँ मैं खुद भी ए एल वैषम से बहुत प्रभावित हूँ लेकिन उनके कुछ विचारों से मैं सहमत नहीं हूँ उसमें एक विचार उनका यह है कि ईसाई धर्म से भक्ति समाया वो दिखाना चाहते हैं कि जसस क्राइस्ट दुनिया के लिए सेक्रीफाइस कर लिया क्रूसीफाई हो गए और दुनिया के लिए उन्होंने अपने शरीर त्याग दिया तो इसलिए मतलब वहाँ से एक उनके प्रति समर्पण का भाव उनके प्रति एक भक्ति का भाव मन में जगा यहीं से भक्ति जमाया लेकिन जो हमारे रिसर्च जो हार्ड कोर हिस्टोग्राफ का रिसर्च वो प्रूव करते हैं क्रिश्चियनिटी से पहले भक्तिज्म था इंडिया में और फर्स्ट सेंचुरी बीसी में आंध्र प्रदेश से यानी आंध्रा क्षेत्र उस समय कहा जाता था वहां से इसका प्रमाण मिलता है और फिर वह प्रभावित किया पहले बुद्धिज्म को और उसमें महायान शाखा आई तो महायान शाखा और हिन्यान शाखा में फर्क क्या था कि हिन्यान शाखा में बुद्ध को शिक्षक और उपदेशक मानता था कि एक बुद्ध हुए इस जगह पैदा हुए फिर इन्होंने ऐसे ज्ञान की प्राप्ति की बोधिश्यत्व हुआ फिर ज्ञान बाँटा और फिर अंत में महापरिनिर्वाण लेकर चले गए लेकिन ये जो दूसरा वाला जो महायान शाखा आया उन्होंने बुद्धा को पीछे रख दिया और बोधिषत्व को लाया बोधिष्यत्व के बारे में उसने कहा कि देखिए बोधिष्यत्व वह है जो बुद्ध की तरह खुद निर्वाण पर नहीं जाता है वह मानकर चल रहा है कि जब तक प्रत्येक प्राणी को मोक्ष नहीं मिलेगा यानी निर्वाण नहीं मिलेगा हम निर्वाण पर नहीं जाएंगे और दूसरे के लिए कष्ट भोगता है और वह जो अपना नौचर्या और दस अनुशासन का पालन करके जो भी गुण वटूरता है उन गुणों को वह दूसरे को दे देता है कि भाई तुम चले जाओ निर्वाण के रास्ते पर और स्वयं वह फिर लौट जाता है तपस्या करने और उसका कहना है कि हम सभी प्राणी को पहले भेजेंगे तब जाएंगे तो वो बोधिसत्व के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा आई श्रद्धा से भक्ति आई और भक्ति से मूर्ति पूजा शुरू हो गई तो ये तो बुद्धिज्म का आलम है उधर क्या है ब्राह्मणिज्म में क्या हुआ कि वहाँ से एक जनजातीय क्षेत्र में जैसे मथुरा है तो मथुरा में एक स्थान मोरा है फर्स्ट सेंचुरी बीसी का आपको एक अभिलेख मिलता है मोरा अभिलेख उसमें वासुदेव कृष्ण की चर्चा है वासुदेव कृष्ण कौन है तो एक ट्राइबल उसमें मुखिया रहे होंगे और उनके चार और भी उनके मतलब जो मुखिया उनके सहयोगी थे जिसमें बलराम थे जिनको शंकर कहा गया फिर एक थे श्याम जिनके अदर ब्रदर थे दूसरे थे अनिरुद्ध और नेक्स्ट वन थे प्रद्युम्न प्रद्युम्न और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध तो प्रद्युम्न पुत्र थे और फिर अनिरुद्ध उनके पुत्र थे इस प्रकार से इनको कहते थे ये पांच जो वृष्णि नायक यानी वृष्णि वंश के थे तो नायक कहलाए तो वासुदेव कृष्ण की उपासना वहां प्रचलित थी और विष्णु नामक देवता की चर्चा सबसे पहले आप ऋग्वेद में सुनते हो और एक देवता थे नारायण तो नारायण के बारे में परिकल्पना यह है कि हिमालय की तलहटी में कुछ चरवाहे लोग थे उनके देवता थे वो पूजा करते थे और फिर नारायण और वासुदेव कृष्ण के बीच एकीकरण हुआ जैसे समाज का एकीकरण होता है तो देवताओं का भी एकीकरण होता है तो गैर पंथ से जुड़े हुए वासुदेव कृष्ण थे और नारायण थे और पंथ से जुड़े हुए विष्णु थे तो जब ब्राह्मणों ने जनजातीय तत्वों को लिया तो कुछ आर्य और कुछ गैर आर्य देवता इन दोनों के बीच सामंजस्य हुआ और सामंजस्य होकर तब तो नए नए कल्ट का विकास हुआ उसी में वैष्णव पंथ आया और विष्णु के दस अवतार माने गए तो परिकल्पना उसमें यह है कि आरंभिक जो पांच अवतार है हालांकि शशि थरूर द हिंदू वे में कहते हैं कि चार्ल्स डार्विन के एवोल्यूशन से पहले वह एवोल्यूशन दिखाता है क्योंकि मत्स्य क्रुमु वराह नरसिंह तो ये जो आप देखते हो तो ये मत्स्य क्रुमु वराह वमन नरसी तो पांच जो आरंभिक अवतार हैं तो इन अवतार धीरे धीरे एवोल्यूशन दिखाता है कैसे हो रहा है और फिर पाँच वो ज़्यादा डेवलप्ड हैं जिसमें आप देखते हो कि राम परशुराम कृष्ण है ना और बुद्धा और कल की तो बुद्धा को भी नौवे अवतार के रूप में रख दिया गया तो बुद्धिज्म को तो एक तरह से ब्राह्मणिज्म ने अपने में समेट लिया तो धीरे धीरे कुछ समय के लिए तो वो भी उसकी परिधि में आ गए बुद्धिज्म का भी बुद्धिज्म ने भी पाली भाषा को छोड़कर संस्कृत भाषा को अपना लिया तो बुद्धिज्म भी उसमें एक तरह से समाहित तो, कुछ समय के लिए हो गए और इधर यू आर जस्ट गोइंग टू ऑब्जर्व द अदर फैक्टर एक और भी चीज मैं बताना चाहूंगा जैसे जनजातीय तत्वों का उस समय जो आर्य तत्वों के साथ जो एकीकरण हो रहा है उसी क्रम में मैं एक चीज़ आपको और भी बताना चाहूँगा जैसे आर्य और गैर आर्य पंथों के बीच आप एकीकरण देखते हो उसी प्रकार से बहुत विदेशी तत्वों का आगमन हो रहा था जैसे इंडो ग्रिक्स आए शक आए कुशाण आए कुशान के बाद फिर कुषाण के बाद फिर आगे आएंगे हुर आएंगे ये सब जितने मध्य एशियाई ट्राइब्स थे बड़े लड़ाकू थे और क्रुएल्टी तो मध्य एशियाई ट्राइब में सभी में था हुर भी थे तो हूं का मतलब वायलेंस बहुत प्रचलित है लेकिन जब वो आए तो वो अपना कोई रिलीजन लेके नहीं आए थे उन सबका अपना ट्राइवल रिलीजन था तो एक बड़ी बात क्या हुई कि आते गए भारतीय परंपरा में समाहित होते गए ब्राह्मींस उनको कास्ट अलॉट करते गए अधिकतर उनको क्षत्रिय में ले लिया गया चूँकि रूलिंग क्लास से थे और फिर उनको अलग फिर आप देखोगे इसके अलावा उनका कुछ स्टेटस इस मामले में और भी दिया गया क्योंकि उन्होंने कहीं ब्राह्मणिज्म को सपोर्ट किया कहीं बुद्धिज्म को सपोर्ट किया कहीं जैनिज्म को सपोर्ट किया और उसी धर्म को अपनाकर भारत की धार्मिक परंपरा में समाहित हो गए ये बात इस्लाम के साथ आगे लागू नहीं हो पाएगी दिक्कत यही आ गई क्योंकि यहाँ पर जितनी धार्मिक पंथ आए उन सबको हिंदुइज्म ने अपने में उदरस्त कर लिया अब यहां पर जो ट्रेट आता है वो तीन ट्रेट आ जाता है एक तो आर्य और गैर आर्य देवताओं का जो सामंजस्य हुआ तो उसके साथ आया परिकल्पना पहले भक्ति की अवधारणा भक्ति की अवधारणा वासुदेव कृष्ण में थी वहां से आ गई विष्णु वाले कल्ट में तो अब वैष्णव पंथ का विकास हुआ और फिर शैव पंथ का विकास हुआ विष्णु के दस अवतार और शिव के अट्ठाइस अवतार जैसे आप पाशुपत को तो जानते हो पाशुपत शिवा हरप सभ्यता और रुद्र रुद्र एक वैदिक देवता है जो ऋग्वेद में आप रुद्र का नाम सुनते हो तो पाशुपत शिव और रुद्र के बीच का एकीकरण हुआ तो पाशुपत शिव का विकास सॉरी तो शैव पंथ का विकास हुआ और 28 अवतार इसके हो गए, है ना? तो इस प्रकार से अवतारवाद आया अवतारवाद में आपको आर्य और गैर आर्य दोनों प्रकार के देवताओं समाहित हो गए और फिर उसके बाद आ गया मूर्ति पूजा अब उनकी मूर्तियां बनने लगी पहली बार आपको मानव मूर्तियों का निर्माण का साक्ष अब उसी में आप यह कहेंगे कि भाई मूर्ति पूजा तो हम बहुत पहले से साहित्यिक ग्रंथ में सुनते हैं तो इतिहासकारों की एक परंपरा ये रही है कि साहित्यिक ग्रंथ से ज़्यादा वो पुरातत्व को महत्व देते हैं दे आर गिविंग मोर इम्फेसिस ओवर आर्क्योलॉजी इन कंपेरिजन टू लिटरेरी एविडेंस क्योंकि लिटरेरी एविडेंस में एक समस्या यह होती है कि वह किसी एक काल की रचना नहीं होती है उसमें कुछ चीज़ें बाद में जोड़ी जाती हैं तो कुछ चीज़ें बाद में जोड़ी जाती है तो समझ में नहीं आता है कि भाई ये चीज़ें जोड़ी गई ये कौन बाद की है कौन चीज़ें पहले की है तो इसलिए जब हमको पुरातात्विक साक्ष्य मिलता तब हम पाते हैं तो यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य में आपको तीन मूर्ति कला के स्कूल दिखेंगे गांधार स्कूल मथुरा स्कूल और अमरावती स्कूल और इनमें देवताओं की मूर्तियां बनने लगी कहीं पर बौद्ध मूर्तियां बनने लगी बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को अभी प्राथमिकता अधिक है लेकिन ब्राह्मणिज्म भी साथ साथ चल रहे हैं इस प्रकार से इसके अलावा आप देखोगे कुछ ऐसे देवता आ गए जो पहले नहीं थे जैसे गणेश की पूजा आरंभ हो गई कुमार कार्तिके की पूजा आरंभ हो गई ओके और फिर गणेश की पूजा कुमार कार्तिके की पूजा मतलब देवी की पूजा आरंभ हो गई पशु पूजा एनिमल कल्ट ट्री कल्ट यू कैन से द कल्ट ऑफ गॉडेस ये सब इसमें शुरू हो गया तो जिसको आप हिंदुइज़्म के रूप में जानते हो वो हिंदुइज़्म का ढांचा अगर देखोगे तो इस काल में चलकर तैयार हो गया अभी आपको मंदिर भी है लेकिन मंदिर का हमें आर्कोलॉजिकल एविडेंस बहुत क्लियरली नहीं मिल पा रहा है वो हो सकता है कुछ मंदिर बने हो नष्ट हो गए हो तो मंदिर का हमें आर्कोलॉजिकल एविडेंस इसके ठीक बाद गुप्त काल में मिलता है तो गुप्त काल में यही सब प्रवृत्तियां और भी प्रचंड होकर आती है गुप्तकालीन धर्म जहां पर आपको हिंदू धर्म की चीजें निखरती हुई से प्रतीत होती है हालांकि मैं आपको बताऊं कि हिंदू शब्द का प्रयोग किसी भारतीय ग्रंथ में नहीं है उस समय अगर प्रयोग हुआ है तो इसको पर्सियन ने किया और अरब बालों ने आठवीं सदी में हिंदू शब्द का प्रयोग किया है भारतीय ग्रंथों में हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं है लेकिन चलिए आगे देखते हैं तो वो जरा मैं क्रिटिकल ओपिनियन जब दूंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कौन क्या बोल रहे हैं पहले एक नज़र हम दे लेते हैं चलिए अब मौर्य मौर्यतर काल में तो आपने देखा कि धर्म का एक बहुत ही व्यापक रूप आपके सामने प्रकट हुआ अब आप गुप्त काल में आते हो तो उसमें कोई नहीं पीछे का जो ट्रेंड्स है उसमें आपको और भी ज्यादा प्रगति देखने को मिलती है जैसे भक्त भक्ति धर्म की प्रगति यानी प्रोग्रेस ऑफ भक्तिज्म और, और मंदिर एवं मूर्ति पूजा देखो भक्तिज्म कोई नया कल्ट नहीं है ऐसा नहीं कि कोई नया संप्रदाय है भक्तिज्म उपासना का एक प्रकार है यानी ईश्वर के प्रति अहेतुक प्रेम और पूर्ण शरणागति की स्थिति मतलब इफ यू आर नॉट हैविंग एनी शॉर्ट ऑफ यू कैन से विदाउट एनी यू कैन से एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न फ्रॉम गॉड यू आर मेकिंग अ टोटल सरेंडर बिफोर गॉड सो दैट इज भक्तिजम वो भक्तिज्म कहलाती है और मंदिर और मूर्ति पूजा इसमें क्लियर कट बड़े बड़े मंदिर बनने लगे गुप्त काल के मंदिर आप भितरगा के मंदिर से लेकर देवगढ़ के दशावतार मंदिर तक आपको अनेक मंदिर दिखने लगेंगे और मूर्तियां उसमें स्थापित की जाएगी और बुद्धिज्म और जैनिज्म के समानांतर यहाँ पर ब्राह्मणिज्म का रिवाइवल होगा अभी हिंदुज्म शब्द का स्पष्ट प्रयोग नहीं हो रहा है लेकिन यहाँ पर ब्राह्मणिज्म का फिर रिवाइवल होगा महायान बुद्धिज्म उसको ब्राह्मणिज्म के करीब ला देंगे तो ब्राह्मणिज्म बुद्धिज्म को भी अपने में समाहित कर लिया है जर्निजम को भी लगभग समाहित कर लिया है और इस काल तक चलकर आप देखोगे सड दर्शन सड दर्शन का मतलब है कि सिक्स मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी सिक्स मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी आप लोग पढ़ने के क्रम में पढ़ते होंगे मेरे विचार से कुछ खास फिलॉसफी के बारे में जो सट दर्शन है सिक्स मेटलिस्टिक फिलोसफी है इसमें आप शांक दर्शन आपने नाम सुना होगा शांक है योग है वैशेषिक न्याय मीमांसा उत्तर मीमांसा तो ये जो सिक्स मेटलिस्टिक फिलोसफी है वह भी कोई एक नहीं है वो सब अलग अलग है और ये सब छह दर्शन के रूप में स्थापित हो गए षट सॉरी षड सदर्शन षड दर्शन दर्शन का मतलब है छः दर्शन सिक्स मिटलिस्टिक फिलोसॉफी ये हिंदुइज़्म के ही साथ जुड़ गए फिर एक सृष्टि की परिकल्पना की गई मनवंतर कल्प है ना वो कहा गया पहले युग चार युगों के एक महायुग होते हैं चौदह महायुग का एक मनवंतर होता है चौदह मनवंतर का एक कल्प होता है प्रत्येक मनवंतर के बाद सृष्टि का विनाश होता है एक नए मनु पैदा होते हैं तो साइक्लिक वर्ल्ड व्यू ऑफ द वर्ल्ड साइक्लिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड भी अपने अस्तित्व में आया प्रत्येक मनवंतर के बाद एक सृष्टि का विनाश होता है एक नए मनु पैदा लेते हैं हम सातवें से गुजर रहे हैं और हमारे पूर्वज मनु है मनु व्यवस्थ तो ये परिकल्पना यहां तक उभर कर आ गई जिस तरह से पूरा ढांचा इस काल तक तैयार हो गया जिसको आगे हिंदुइज्म के रूप में पहचाना जाएगा अब गुप्तोत्तर काल एवं पूर्व मध्य काल अब दोनों को मैंने साथ ही रख दिया क्योंकि दोनों ट्रेंड विजिबल है जैसे देखिए गुप्त काल में धीरे धीरे एक और नई प्रवृत्ति धर्म में दिखने लगी थी उसको कहते हैं तांत्रिक सीजन इंग्लिश में हिंदी में कहोगे तंत्रवाद वो तंत्रवाद क्या होते हैं पता है आपको मतलब पहले आप जैसे पहले आप यज्ञ के माध्यम से शक्ति प्राप्त करना चाहते था भक्ति के माध्यम से ईश्वर के सामने पहुंचना चाहते हो इसमें है कि तंत्र मंत्र जिसमें पंच मकार की साधना थी उसमें कुछ गुहम साधना भी कुछ वामाचार भी था वामाचार का मतलब है कि मांस मदिरा मैथुन मत्स्य और मुद्रा मतलब कई तरह की प्रवृत्तियां उसमें आ गई पुरुष स्त्री के संबंध भी पुरुष स्त्री के बीच का जो कोविश है उसको भी धर्म का एक पार्ट बनाया गया और सेक्सुअल इंटरकोर्स को भी उसका पार्ट बना के और फिर उसको एक तंत्रवाद और कहा गया कि इससे अतिरिक्त शक्ति प्राप्त होती है हालांकि सारे धार्मिक पंथों में ऐसा नहीं है जैसे उत्तर भारत में आप देखेंगे कि पहले इस तरह के वामाचार आए लेकिन आगे चलकर जो नाथपंथी आए तो वो नैतिक शक्ति पर बल देते थे और उसमें भी तंत्रवाद था लेकिन तंत्रवाद के बाद भी उसने वामाचार से परहेज किया था बेसिकली लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता कि अब एक तंत्रवाद का ट्रेंड भी आ गया था ये तंत्रवाद का जो ट्रेंड था वो भक्ति के ट्रेंड से भी अलग हो गया और जो यज्ञ का ट्रेंड है उससे भी अलग हो गया लेकिन इस तंत्रवाद उत्तर भारत में तो उसमें उत्तर भारत में आपको दो प्रवृत्ति दिखेगी जो मैंने दिख, बता दिया है एक है तंत्रवाद की प्रगति यानी प्रोग्रेस ऑफ तंत्रिसिज्म और दूसरा है तीर्थ स्थानों का बढ़ता हुआ महत्व तो, ग्रोइंग सिग्निफिकेंस ऑफ पिलग्रिमेज सेंटर्स क्योंकि उस समय तक मंदिर बनने लगे थे तो जो खास पवित्र पॉइंट था उत्तर भारत में या दक्षिण पॉइंट में जिसको तुम कहते हो दक्षिण भारत में जिस जिसको आप कहते हो कुछ खास एक ऐसी पॉइंट्स हैं जो सेक्रेट सेक्रेट प्लेसेस तो सेक्रेट प्लेसेस के उदाहरण आई वहां पर टेम्पल्स बनना शुरू हुआ और धीरे धीरे वो तीर्थ के रूप में डेवलप करता जा रहा था तो वह भी प्रवृत्ति धीरे धीरे आने लगी और तंत्रवाद की प्रवृत्ति तंत्रवाद में कुछ उसका सबल पक्ष भी है जैसे तो आप तंत्रिसिज्म कहोगे उसके कुछ अच्छे पक्ष भी हैं उसके अच्छे पक्ष ये हैं कि तंत्रवाद में जो दरवाजा है वह दरवाजा महिलाओं के लिए भी खुल गया और शूद्रों के लिए भी खुल गया जैसे दो चीजें इससे पहले मैंने जैसे आपको मैंने पीछे एक मिनट लाऊं आपको मैंने गुप्त काल से पहले जो मौर्योत्तर काल बताया था तो उसमें एक चीज आपको बता दूं क्योंकि इसमें तो हमें साहित्य को समेटना संभव नहीं होता है बहुत बड़ी यात्रा है तो इसलिए हमको धर्म पर बात करनी होती है परंतु एक बात मैं आपको समझा दूं मौर्योत्तर काल जिसको ईसा की आरंभिक शताब्दी कहते हो पोस्ट मौर्या पीरियड तो उस पोस्ट मौर्या पीरियड में एक नए प्रकार का लिटरेचर आने लगा जो वेद को एक तरह से वेद को वो मतलब ओवर शैडो कर दिया वेद पर ज्यादा प्रभावी हो गया वो था पुराण यह पुरार, पुरार साहित्य की विशेषता यह थी कि इसमें लोक संस्कृति और अभिजात संस्कृति दोनों का मिश्रण था जैसे जो वैदिक साहित्य है उस पर ब्राह्मणवाद या अभिजातपन का प्रभाव था जिसको एलिट्रिस्ट कहते हो उसका प्रभाव था और जिसे तुम पुराण साहित्य कहते हो पुराण साहित्य में लोक तत्वों का और अभिजात तत्वों का मिश्रण था उसमें मूर्ति पूजा को भी स्वीकृति दी गई थी उसमें बहुदेववाद की स्वीकृति थी मूर्ति पूजा की स्वीकृति थी मंदिर की सब चीज़ की स्वीकृति थी और वह लोक संस्कृति पर और लोक धर्म पर बल देता था तो और एक और भी अलगाव है जैसे वैदिक वेद पढ़ने का अधिकार शूद्रों और महिलाओं को नहीं दिया गया था लेकिन पुराण पढ़ने का अधिकार और सुनने का अधिकार महिलाओं और शूद्रों को दिया गया तो ये एक तरह से एसिमिलेट कर रहा है और यही मैं आपको एक चीज बताऊं कि लोग ये समझते हैं ब्राह्मणिज्म अगर पांच हजार वर्षों तक अपना अस्तित्व बनाए रखा तो उसकी एक विशेषता थी एसिमिलेशन अब इंडिया में देखो इतने धार्मिक पंथ हो गए लेकिन हमें अभी तक एक दृष्टांत नहीं मिलता है कि कोई शासक किसी और धार्मिक पंथ को उत्पीड़ित करके किसी एक धार्मिक वर्ग को आगे बढ़ा रहा हो सब अपने अपने विचार दे रहे हैं शासक वर्ग भी इसको संरक्षण दे रहा है वही बौद्ध विहार भी बनवा रहा है मंदिर भी बनवा रहा है और जैनों को भी संरक्षण दे रहा है जो विद्वान है जैन विद्वान है ब्राह्मण विद्वान है और बौद्ध विद्वान हैं वो अपने पंथ को सही बता रहे हैं और वह है भी सही बता रहे हैं लेकिन कोई किसी पर प्रहार नहीं कर रहे तो ये अपने आप में सभी अपना अपना प्रचार कर रहे हैं लेकिन दूसरे के रास्ते को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे ये इसलिए आवश्यक है ताकि आप भारत की प्रवृत्ति को देखो भारत की संस्कृति को समझे बिना आप भारत के वर्तमान को नहीं समझ सकते भारत कभी तानाशाही सरकार बर्दाश्त ही नहीं कर सकता क्योंकि हमारी संस्कृति ही अनुमति नहीं देती है श्रीमती गांधी ने कोशिश की अभी अभी तो इमरजेंसी का आप, सम, आप देख रहे हो कि उसका अभी अभी वो फिर चर्चा में आई क्योंकि यही ट्वेंटी फिफ्थ जून का जो दिन है जो एक बार फिर इंटेलेक्चुअल्स याद करते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो श्रीमती गांधी नहीं सक्सेसफुल हुई वो चाहती थी कि भाई हम वन मैन रूल टाइप का कुछ स्टेब्लिश कर दूँ लेकिन इंडिया नहीं इंडिया चीन नहीं है इंडिया में चीन में कन्फ्यूशियस हैं जो लोगों को कहते हैं कि आंख मूंद के अथॉरिटी की बात को मानो you you have to follow the command of your seniors your authority आज्ञा का पालन करो अनुशासन का पालन करो और हमारी भारतीय परंपरा में जैसा कि अमर सिंह कहते हैं आर्गुमेंटेटिव इंडियंस आर्गुमेंटेटिव इंडियंस का मतलब हुआ कि भाई आप आर्गुमेंट करने के लिए स्वतंत्र हैं शंकराचार्य हैं उन्होंने एक ब्राह्मण संयासियों का एक पूरा समूह खड़ा कर दिया और कहा कि जाइए आप लोग जहां शास्त्रार्थ कर सकते हैं करिए तो और तो मतलब ये है कि आप यहाँ पर खुला शास्त्रार्थ होता था सभी विद्वान आपस में बैठते थे तो आर्गुमेंटेटिव इंडियस में अमर सेन ने यह कहा है कि आपने मॉडर्न एज में डेमोक्रेसी डेवलप किया और आप डेमोक्रेसी डेवलप किया तो आपके लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि आपके यहाँ लोगों को विचारों की आज़ादी नहीं थी वहाँ पर रोमन कैथोलिक चर्च आप अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखेंगे यूरोप में मतलब यही समझिए कि कोपर को भी हिम्मत नहीं हुई इस बात प्रकाशित करने की कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है दैट इज कॉल्ड व्यू ऑफ द वर्ल्ड क्योंकि उस समय चर्च ने व्यू ऑफ द वर्ल्ड दिया था कि सूर्य ही और प्लैनेट्स ही पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं और जो उसके विरोध में बोलता था उसको जिंदा जला देते थे जैसे आप देखोगे गैलीलियो के बारे में कहा जाता है कि उसने जब टेलीस्कोप को आविष्कार किया तो टेलीस्कोप के बाद वो देखा कह रही ये तो उल्टी बात है स्वी स्वीरी के चक्कर लगा रही है। उसने प्रकाशित किया तो रोमन कैथोलिक चर्च की तरफ से आदेश आया या तो अपना विचार वापस ले लो नहीं तो दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाओ यू है इनक्विजीशन अब ही विद्रू हिज बट एज एन रूम ही दिसम टू मेक अ क्राई लाउडली बट वट डू आई डू दर्थ स्टिल रिवॉल्व इन मैं करूं तो क्या करूं पृथ्वी तो अभी भी घूम रही है तो मैं स्टूडेंट्स ये इंडिया में कभी परंपरा नहीं रही खुला है जो आप चाहिए तो पुरानों ने हिंदुइज्म का वास्तविक आधार पुराणों ने तैयार किया है और इसने एक यहाँ की जो विविधता मूलक संस्कृति है उसको पुरानों ने जगह दी है इस बार भी यूपीएससी में एक क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछा है वेद और पुराण कैसे वैदिक धर्म को लोकप्रिय धर्म के रूप में पुराण ने ढाला था मूर्ति पूजा तो बड़ी सहज होती है ना लोग मूर्ति से जुड़ जाते हैं मंदिर में जाके सो जाते हैं कीर्तन करते हैं मन बहल जाता है और कहोगे एक निराकार ईश्वर की पूजा करिए तो आंख बंद करते हैं तो उनको बड़ी घुटन सी होती है आप जैसे बहुत डीप कॉन्सेप्ट में आप लोगों को ही प्रॉब्लम होता है और अगर थोड़े से हंसी मजाक की बात होती है तो आप लोग खुश हो जाता है बहुत बढ़िया क्योंकि ये सहज है लोग उसको समझ लेते हैं लेकिन अगर वही चीज़ पूरे थियरी के रूप में और डॉक्टरिन के रूप में पढ़ाई जाती है तो एक स्टूडेंट को जब दिक्कत होती है तो कॉमन पीपुल कैसे वो अद्वैत फिलोसफी को समझें मोनिस्टिक फिलोसफी को समझें तो मोनिस्टिक फिलोसफी कभी बहुत पॉपुलर नहीं हुई शंकराचार्य ने इसको समझा तो शंकराचार्य की स्ट्रैटेजी बड़ी अलग रही एक तरह विद्वानों को उन्होंने दे दिया अद्वैत चिंता मोनिस्टिक फिलॉसफी को जीवित किया और दूसरी तरफ कॉमन पीपल में उन्होंने मूर्ति पूजा को भी स्वीकृति दिलाई उन्होंने मूर्ति पूजा को कैसे स्वीकृति दी तो कॉमन पीपुल को चार मठ स्थापित कर दिए और चार छोरों पर और मूर्ति पूजा को भी एक तरह से स्वीकृति दे दी उन्होंने कहा कि जो ब्रह्म है वह जब अपने माया की शक्ति से अपना विस्तार करते हैं और उसी क्रम में ब्रह्मा विष्णु महेश का भी रूप पकड़ सकते हैं तो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उन्होंने मूर्ति पूजा और अद्वैत चिंतन के बीच एक सामंजस्य लाया था तो खैर ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मंदिर मूर्ति पूजा को स्वीकृति मिली भक्ति को स्वीकृति मिली सट दर्शन चला और उत्तर भारत में तंत्रवाद यहाँ तीर्थस्थलों का बढ़ता हुआ महत्व और दक्षिण भारत में जो उत्तर से जो पुरानों की भक्ति थी वो तब तक दक्षिण भारत चली गई दक्षिण भारत में एक खास युग आएगा जिसे आप कहोगे संगम युग तो दक्षिण भारत में संगम युग का विकास हुआ तो संगम और ये भक्ति ये दोनों आपस में मिल गए और जब संगम और उत्तर की भक्ति मिल गई तो यहाँ पर एक भक्ति का लोकप्रिय स्वरूप डेवलप किया जिसको अलवार और नयनार संतों ने चलाया ये लोक तत्वों से जुड़ा हुआ था और एक बार जब अलवार और नयनार संतों ने चलाया तो हमेशा जो अथॉरिटी होती है इंडिया में वो कोशिश करती है कि जो लोकप्रिय धार्मिक पंथ हो जो अशोक ने भी कोशिश की थी जो मरोत्तर काल में ब्राह्मणों ने भी कोशिश की थी और यही कोशिश अभी फिर एक बार दक्षिण भारत में यहाँ के आचार्य लोग कर रहे हैं जो ब्राह्मणवादी आचार्य हैं उन्हें भक्ति को अपने आगोश में ले लिया और इसमें पहल की रामानुज ने और रामानुज ने शंकर का जो अद्वैत चिंतन है वह था तो लेकिन बड़ी क्लिष्ट था उसको रामानुज ने लोकप्रिय बनाया और निर्गुण भक्ति के समानांतर निर्गुण भक्ति कहते हैं कि जब आप निराकार ईश्वर के प्रति प्रेम दर्शाते हो या आप कहोगे कि निराकार रूप में ईश्वर को पूजते हो जैसा कोई आकार नहीं है फॉर्मलेस है आप बैठ जाओ तो वो हुई निर्गुण भक्ति और जो सगुन भक्ति है वो मूर्ति पूजा को ईश्वर को आकार रूप में पूजती है तो उन्होंने ईश्वर के आकार रूप में पूजने पर बल दिया रामानुज ने विशेषतः द्वैत का दर्शन दिया जो दर्शन में भी मैं नहीं उलझाऊंगा नहीं तो हम लोग दूसरे रास्ते पर चले जाएंगे भक्ति पर मैंने एक अलग क्लास लिया हुआ है आप अगर चाहें तो आप हमारे लेक्चर में आप यूट्यूब पर जाकर खोज सकते हैं मेरे द्वारा दिया हुआ लेक्चर है तो वहाँ पर डिटेल्स में आपको भक्तिजम पर मिलेगा यहाँ मेरा टारगेट भक्तिजम नहीं है मैं आपको बता दूँ तो इस प्रकार से आचार्य आए और भक्ति का स्वरूप बदल गया फिर उस समय के शासकों ने भी इन आचार्यों को संरक्षण दिया इम्पोर्टेंट स्पॉट खोजे गए बड़े बड़े मंदिर बने जिसमें आप देखोगे कई तरह के टेम्पल्स बने राजराजेश्वर टेम्पल यू हैव हर्ड द नेम जैसे तंजौर का टेम्पल ये सब शिव टेम्पल तो इस तरह से इतने सारे टेम्पल्स बने विष्णु और शिव के टेम्पल्स दक्षिण भारत में और तीर्थ यात्रा का महत्व बढ़ता चला गया तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक इतने माइथोलॉजी आ गए इतने देवता आ गए इतने प्रकार के पंथ आ गए कि हमें एक एक, एक, एक हार्वर्ड स्कॉलर हारवार्ड यूनिवर्सिटी के स्कॉलर थी उसका नाम डायना एक डायना एक ने टू में ही क्वेश्चन लिखा था सॉरी टू थाउजेंड थर्टीन में ही डायना एक ने एक पुस्तक लिखी द सीक्रेट जोग्राफी तो सीक्रेट जोग्राफी जब उसने लिखा तो मुझे पहले लगा कि शायद ये जोग्राफी की पुस्तक इसने लिखी है लेकिन नाम इतना दिलचस्प था और मैं वैसे भी बहुत सारे विषयों में इंटरेस्ट लेता हूँ तो मैंने उस पुस्तक को खरीदी और जब पढ़ना शुरू किया तो तो हिस्ट्री की पुस्तक थी बल्कि की आप कल्चर कह लीजिए तो सीक्रेट जोग्राफी उसने लिखा मतलब उसने लिखा कि इंडिया की धरती ही पवित्र है इतनी पवित्र धरती है कि आप मतलब अब यही समझ लें उसने नहीं लिखा मैं उदाहरण दे रहा हूं कि आप अगर किसी चीज पर पैर रखेंगे कहा यहां पैर मत रखिए यहां भीम ने गदा रखा था मतलब वो मैथोलॉजी में कहीं ना कहीं होगा कि यहां पर भीम घूम गया होगा या कोई और पांडव के एक बार मैं केरला गया तो वहां पर भी कहा कि चलिए मैं आपको राम आश्रम में ले जाता हूं राम आश्रम केरला में उन्होंने कहा कि हाँ वो लंका से लौट रहे थे तो एक दिन रुके थे तो आर सो मेनी माइथोलॉजीज़ इन इंडियन कंटेक्ट कि यहां पर जग जोग्राफी भी सेपरेट जोग्राफी हो गई तो इस तरह से आपने देखा हिंदुज में कोई ना एक प्रेस्टूड है न कोई एक फिलासफी है न कोई एक सेट है ना कोई जैसे आप कहते हो फंडामेंटलिज्म तो शशि थरूर ने द हिंदू में एक बहुत अच्छी बात कही मैंने बहुत स्कॉलरली उन्होंने उसको इंटरप्रिटेशन किया एक बात उन्होंने कही कि हिंदुइज्म में फंडामेंटलिज्म आएगी कैसे पहले तो फंडामेंटल्स हो तब तो फंडामेंटलिज्म मतलब इसमें क्या फंडामेंटल्स है किसको हम माने? कहां से शुरू करें अब आगे भी आप देखेंगे वेद की परंपरा को हिंदुइज्म माने तो भागवत गीता को आप क्या करेंगे पुराणों को क्या कहेंगे इसके आगे जो आप देख रहे हैं ये आचार्य आए हैं प्रबंधम इन्होंने लिखा है तो प्रबंधन की परंपरा भी वेदों की परंपरा से जुड़ती है तो इतने सारे डायवर्सिफिकेशन है यार डायवर्सिटी ही हमारी ब्यूटी है और टॉलरेंस ही हमारे रिलीजन की खासियत है विचारों की आजादी हमारी संस्कृति की मूल विशेषता है ओके इतना तक तो समझ गया होंगे अब उत्तर मध्यकाल आ पाए लेट मेडिवल पीरियड लेट मेडिवल पीरियड का मतलब है कि भारत में जब दिल्ली के सुल्तानों का तुर्कों का आगमन हुआ और मुगल काल इसमें आप थोड़ी सी नजर डालें देखिए अब सबसे पहले आपको एक दिलचस्प बात नजर आएगी इस्लाम का आगमन हुआ इस्लाम के आगमन के बाद आज जो समस्या आ रही है वो समस्या यह आ रही कि बहुत सारे स्कॉलर्स बचा नहीं पा रहे उनका यह मानना है कि भाई ये इन्वेडर्स के रूप में आए तो पहले हमें यह पता होना कि चाहिए कि चाहे वो इंडो ग्रीक हो शाज हो पार्थियंस हो कुशानाज हो और हुनाज हो जो भी थे दे जस्ट केम टू इंडिया जस्ट एज इन्वेडर्स अब फर्क ये पड़ा कि वो अपना उनका कोई इस्टैब्लिश रिलीजन नहीं था वो सब ट्राइबल कम्युनिटीज से थे तो आए तो उन्होंने भारतीय रिलीजन को अपनाकर भारतीय समाज में समाहित हो गए तो आज आप नहीं खोज सकते कौन कुशानाज है कौन शिकाज है कौन इंडोग्रिक्स ग्रिक्स हैं लेकिन जब भारत में तुर्कों का आगमन हुआ तो दुनिया के वन ऑफ द इस्टैब्लिस्ड रिलीजन को साथ में लेकर आए थे जो एक ग्लोबल रिलीजन हो चुका था उस समय जिसका नाम था इस्लाम क्योंकि तुर्क भी ओरिजिनली अरब क्षेत्र से नहीं थे इस्लाम का उद्भव तो अरब क्षेत्र में हुआ लेकिन अरब क्षेत्र से वो मध्य एशिया में इस्लाम का प्रसार हो चुका था और तुर्क मध्य एशियाई ट्राइब उसी तरह से थे जिस तरह से पहले हून थे लेकिन हूनों ने भारत में आकर जैसे हिंदुज़्म को एक्सेप्ट कर लिया तो तुर्कों ने मध्य एशिया में रहते हुए इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया था अब वो इस्लाम एक रिलीजन लेकर आए तो इस्लाम एक मजहबी धर्म था जिसमें पहले धर्म था फिर समाज था और फिर राज्य था तो अब इस्लाम का अपना एक अलग इतिहास था और हिंदुइज दुनिया का प्राचीन धर्म था एक तरह से अगर देखो अगर वैदिक परंपरा से आप लेते हैं या उससे पहले से लेते हैं तो भारत में जो स्टैब्लिस्ड रिलीजन था वो स्टैब्लिस्ड रिलीजन दुनिया का सबसे प्राचीन धार्मिक मतलब धर्म था तो पंथ कहना तो मुनासिब नहीं होगा जिसमें बहुत सारे पंथ है ये तो एक सागर है तो जब वहां से और इस्लाम का भी एक ट्रैक रिकॉर्ड अपना दूसरा था इस्लाम की विशेषता यह थी कि इस्लाम जहाँ कहीं भी गया वह वहां के धार्मिक पंथ को मिटाकर शीघ्र वहाँ इस्लाम को फैला दिया इसलिए मुस्लिम दुनिया में जहाँ भी गए एक मुस्लिम शक्ति गई मुस्लिम इन्वेजन हुआ इस्लामी इन्वेजन तो वहाँ पर वो एक माइनरिटी कम्युनिटी के रूप में गए अल्पसंख्यक के रूप में गए लेकिन शीघ्र ही बहुसंख्यक हो गए हिंदुस्तान की भूमि पर ना तो हिंदुइज्म इस्लाम अच्छा इस्लाम और हिंदुइज्म का भी अपना ट्रैक रिकॉर्ड आप देख ही रहे हैं कि जो भी विरोधी पंथ मत और मतांतर आया उसको हिंदू धर्म ने अपने में उधरस्त कर लिया उधरस्त कर लिया का मतलब है एसिमिलेटेड देम विद इन इट सेल्फ लेकिन भारत की भूमि पर ना तो इस्लाम हिंदुइज्म को निगल सका ना हिंदुइज्म इस्लाम को निगल सका लेकिन हाँ दोनों लगभग एक हज़ार वर्ष तक साथ रहते हुए जो समन्वित संस्कृति का कंपोजिट कल्चर का विकास किया उसने इस्लाम को भी परिवर्तित थोड़ा कर दिया और हिंदुइज़्म को भी परिवर्तित कर दिया मतलब मुझे एक बात समझ में नहीं आती है ये जो कंपोजिट कल्चर वाला तत्व है उसको लोग समझ नहीं पाते हैं सामान्य लोग उन्हें नहीं समझ पाते हैं आप लोग तो प्रबुद्ध ऑडियंस हो आप लोग इस बात को भली भांति समझ पाएंगे जैसे देखिए कम्पोइट कल्चर से मेरा मतलब यह है कि जो सूफिज्म है वो सूफिज्म कहीं ना कहीं इस्लाम के जो क्लासिकल मानदंड है उससे परे हो जाता है क्योंकि इस्लाम का जो क्लासिकल मानदंड है उसमें आत्मा और परमात्मा ये कॉन्सेप्ट इस तरह का नहीं है और उसमें अल्लाह उनके बंदे के भी सेवक और स्वामी के संबंधों को निर्धारित किया गया है मैंने बंदे सेवक है और अल्लाह स्वामी है उनके बीच कोई बीच का रास्ता नहीं हो सकता और जो सूफिज्म था वो भारत में अद्वैतवादी चिंतन की तरह वह एक तरह से अल्लाह से या जो सुप्रीम सुप्रीम गॉड गॉड है उसको प्रेम के माध्यम से संबंध जोड़ता था माने उनका कहना ही था सूफियों का इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी की यात्रा और जो जैसे इसमें ब्रह्म का साक्षात्कार को जैसे ब्रह्म का साक्षात्कार होता है तो आप मोक्ष कहते हो उस तरह से सूफी कहते थे फना तो दोनों के बहुत सारे जो दर्शन है इसलिए इसको सिंक्रिटिज्म कहा जाता है रहस्यवाद क्योंकि बहुत सारे दोनों के दर्शन मिलते जुलते थे हालांकि मैं आपको बताऊं जैसे भक्तिज्म ही है तो भक्तिज्म में मेरे आ, मैं आग्रह करूंगा कि अगर भक्तिज्म की प्रकृति को ठीक से समझना हो तो आप हमारा एक लेक्चर भक्तिज्म पर देख लेना क्योंकि यहां पर मुझे डिटेल्स में जाने का नहीं है मुझे एक लंबी यात्रा है और फिर मुझे क्रिटिकली भी इसको थोड़ा इवेल्युएट करना है और टाइम की कमी पड़ जाएगी तो मैं यहां फिलहाल इतना बता दूं कि भक्ति की भी दो धाराएं हैं जैसे दक्षिण से भक्ति पहले तो उत्तर से पुरानों पर आधारित तो भक्ति दक्षिण गई ट्रैवल टू साउथ और फिर साउथ से वह फिर नया पैकेज बन के भक्ति का वो उत्तर आई तो उत्तर आई तो उत्तर में वो दो धाराओं में बट गई एक को बोलते हैं सगुर भक्ति और दूसरे को बोलते हैं निर्गुण भक्ति तो निर्गुण भक्ति में क्या हुआ कि एक तो उत्तर भारत में नाथ पंथ पहले से ही था तो जो नाथपंथी साधु थे वह ईश्वर को निराकार रूप में पूजते थे वहां पर एकेश्वरवाद एक या अद्वैतवाद था यानी ईश्वर तो शिव को बोलते थे परंतु उनका कोई आकार नहीं था निराकार थे तो उसमें उत्तर भारत में जैसे कबीर दास हुए या इस तरह के और भी कुछ संत हुए वो जुलाहा जाति से जुड़े हुए निम्न जाति से प्राय जुड़े हुए थे तो निम्न जाति के लोग नाथपंथ को अपनाते थे चूँकि नाथपंथ जाति व्यवस्था पर कठोर प्रहार करता था वह जाति व्यवस्था पर चोट करता था वो कही न कहीं ना कहीं ब्राह्मण पंथों पर प्रहार करता था और वह कहीं ना कहीं मतलब निम्न जाति के, के भाव की भावना का विशेष ख्याल रखता था या उसे जुड़ गया था तो कबीर भी उसी श्रेणी से आते थे नाथपंथ की श्रेणी जिन्हें आप कहते हो तो कबीर उसी परंपरा से नाथपंथियों की परंपरा से आते थे फिर ऐसा भी संभव है कि इस्लाम के एक किश्वरवाद का भी प्रभाव होगा उस पर थोड़ा सा क्योंकि इस्लाम ने चैलेंज तो कर ही दिया था कास्ट सिस्टम को जैसे इस्लाम जो भारत में आया तो हालांकि सच्चाई उसके अंदर कुछ अलग थी लेकिन अलग सच्चाई के बाद भी इतना तो था उसने मुस्लिम ब्रदरहुड का नारा दिया मुस्लिम बंधुता मुस्लिम मिल्लत वो तो जो इसका मतलब है कि किसी को भी प्रलोभन होगा कि हम अगर इस्लाम कबूल कर लेंगे तो हमें समानता का अधिकार मिल जाएगा जा 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 जो हिंदुइज्म में नहीं था यहाँ पर कठोर जाति व्यवस्था जैसी चीज थी तो इसलिए कुछ लोग उधर कटका न चला जाए तो इसलिए भी हो सकता है कि भक्तों की एक जो समूह है जो अपने को निर्गुण भक्त कहते हैं जिसमें कबीर हैं नानक हैं तो वह चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से हम जाति व्यवस्था को अस्वीकार कर दें और जो सगुर वाले हैं वो भी कम से कम जाति व्यवस्था की कठोरता को कम करना चाहते हैं तो कुछ न कुछ फर्क वहाँ पर आया है हम उसको जहाँ तक निर्गुण भक्ति का सवाल है तो हम उसको इस्लाम को उसका श्रेय दे थोड़ा बहुत मुख्य रूप से नाथपंथ को दें नाथपंथ के, के प्रभाव से हुआ तो दक्षिण की जो भक्ति है वो तो सगुण भक्ति थी उसमें तो आकार रूप में ईश्वर को पूजा जाता था लेकिन उत्तर में जो कबीर और नानक वगैरह हुए तो उन्होंने निर्गुण भक्ति को अपनाया जिसमें ईश्वर को निराकार रूप में पूजते थे परंतु उनको अपनी भावना उसी तरह से उरेलते थे जैसे सगुण भक्त उड़ेलते थे तो अब जहां कहीं भी देखिए एकद आएगा या निराकार ईश्वर आएगा तो उसका सबसे पहला प्रभाव आप क्या देखेंगे सबसे पहला प्रभाव होगा धार्मिक कर्मकांड महत्ता स्वयं समाप्त हो जाएगी तो जो भी निराकार ईश्वर की बात करेंगे वह धर्म सुधार की बात कर देंगे मतलब तो ऑटोमेटिक धर्म सुधार हो जाएगा मतलब वो करेगा नहीं जैसे अब आप कहोगे कि भाई ईश्वर निराकार है तो मंदिर की जरूरत नहीं रह जाएगी मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं रह जाएगी पुरोहित की जरूरत नहीं रह जाएगी हम पुरोहित का मतलब केवल ब्राह्मण नहीं बोल रहे चाहे वो बौद्ध बुद्धिस्ट हो जनाज हो या कोई भी हो धीरे धीरे पुरोहित वर्ग तो सभी धर्मों ने अपना डेवलप कर लिया बुद्धिस्ट में तो मोनेस्ट्री है उसके भी तो जो बौद्ध संत होते थे वह मठाधीश बनकर बैठे होते थे तो ऐसा नहीं सिर्फ ब्राह्मीण ही पुरोहित थे तो मतलब जो भी पुरोहित वर्ग है पुरोहित वर्ग की जरूरत अब नहीं रह जाएगी तो धर्म सुधार हो जाएगा अब दास कोई देखो कैसी कैसी बातें बोलते हैं अगर दास यूरोप में होते तो क्या उनको विचारों की उतनी आजादी होती मतलब वो मस्जिद पर भी प्रहार करते हैं मंदिर पर भी प्रहार करते हैं और वो मतलब पत्थर पूजे हरी मिले तो में पूजू पहाड़ ताते चक्की भली पी सिखाए संसार और मस्जिद बैठी मुल्ला पुकारे क्या तेरा साहब बहरा है कबीरदास इस तरह से माटी कहे कुम्हार से तू क्या मर्दे मोए अब इस तरह की जो लहजा है तीर्थ यात्रा पर प्रहार किया चली है कुलभोर्णी गंगा नहाए तो अब इस तरह की वाड़ी का प्रयोग अगर यूरोप में करती तो क्या कविदास को यह अनुमति मिलती और और तो और तो छोड़िए सूफी पंथ में ही जो हम देखते हैं बुल्ले शाह हैं अब बुल्ले शाह लिखते हैं मंदिर को तोड़ दो मस्जिद को तोड़ दो पर दिल को ना तोड़ो या खुदा का पनागार है। खुदा का पनागार है तो मतलब ये इंडिया में आप कुछ भी कर सकते अब यहां पर क्या है कि जब आप अपने विचारों का अभिव्यक्त कर सकते मलिक मोहम्मद जायसी आप लोगों ने पद्मावत का नाम सुना है पद्मावत का लेखक कौन है एक मुस्लिम सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत की भाषा क्या है अगर आपको से पूछे च्वाइस ए अरबी च्वाइस बी फारसी च्वाइस सी उर्दू च्वाइस डी औधि तो आप क्या चुनेंगे औधि एक हिंदुओं की भाषा में उसका नायक कौन है राजा रतन सेन खलनायक कौन है अलाउद्दीन खिलजी शैतान के रूप में है वो एक मुस्लिम लेखक हिंदुओं की भाषा में कविता लिख रहा है जिसमें नायक एक मुस्लिम सुल्तान को बना सॉरी हिंदू राजपूत शासक को बना रहा और खलनायक एक मुस्लिम सुल्तान को बना रहा क्या यह समन्वित संस्कृति हिंदुस्तान की नहीं है ये परंपरा क्या अभी आग अगर आगरे के ताजमहल की बात होगी तो क्या कहेंगे आप एक पाकिस्तान से निकली हुई मूवी थी मैं आपको शेयर करना चाहूंगा दो मिनट टाइम लूंगा पाकिस्तान से निकली हुई मूवी खुदा के लिए शायद पहली मूवी थी जो इंडिया में रिलीज हुई थी मुझे बहुत इंप्रेस किया क्योंकि पाकिस्तान का अगर डायरेक्टर ऐसा सोचता है उसे नसीरुद्दीन शाह को भी उसमें एक रोल मिला हुआ था और बहुत अच्छा रोल उन्होंने प्ले भी किया था तो उसमें हमने देखा कि आगरे के ताजमहल पर एक पाकिस्तानी मूल का वेस्टर्नाइज लड़का है जो अमेरिका में रह रहा है एक अमेरिकन लड़की से उसकी बात हो रही है और वो अमेरिकन लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है और जब वो कहता है कि मैंने फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग तो वो कहता है कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान तो सी इज अनएबल टू रिगनाइज कि वेयर इज पाकिस्तान सिचुएटेड तो वो उसको समझा रहा है फ्रेंच फ्राइज से कि दिस इज, दिस इज, दिस इज, दिस इज इंडिया पाकिस्तान अब ताजमहल सिचुएटेड तो सोचा कि चलो ताजमह पर ही हम क्लेम कर देते हैं तो कहा डू यू नो वन सीक्रेट अबाउट ताजमहल आई जस्ट शेयर विथ यू दिस ताजमहल अ पाकिस्तानी शाहजहां तो उसने कहा उतना ही मासूमियत के साथ हैव यू नॉट ट्रांस व्हाई हैव यू नॉट ताजमहल फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान तो मतलब यह है कि वो पूरी की पूरी लेगेसी आपको चाहिए लेकिन उनका नाम नहीं चाहिए अपने नाम से चाहिए हु इज अपना नाम खैर चलिए उसको भी छोड़ते हैं तो मतलब वो खुद ही पाकिस्तानी उत्तर नहीं दे सका इसका क्या उत्तर था उसके पास क्यों नहीं शिफ्ट कर लिया आपने यहाँ से आपके जितने भी पवित्र बहुत सारे धर्मस्थल हैं आप अजमेर शरीफ हैं आप जाइए मुगल शासक कभी मक्का नहीं गए मुगल शासक हमेशा सूफी संत के दरगाह पर जाते थे शेख मुनिउद्दीन चिश्ती का उतना पवित्र दरगाह है कहाँ है अजमेर में इंडिया में छोटा हुआ लखनऊ एक इंपॉर्टेंट पवित्र स्थल है तो आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट दिस ये चीज़ें बड़ी अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इसको ध्यान रखना पड़ता है जब हम लोग कल्चर पढ़ते खैर एनी वे तो ये आपका मध्यकाल गुजर गया अब सवाल उठता है कि फिर आप आए मॉडर्न टाइम में मॉडर्न टाइम में आए तो ब्रिटिश ट्रांसफर्ड द फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइजम इन ए सिंगल कम्युनिटी थ्रू गवर्नमेंट सेंसस अब जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश ने एक मतलब सेंसस शुरू किया जनगणना शुरू किया उस जनगणना में विभिन्न धार्मिक पंथों को अलग अलग बांटा यानी इस्लाम क्रिश्चियनिटी सिखिज्म मतलब सबको अलग अलग बांटा और उसने सॉरी इस्लाम और क्रिश्चियनिटी सिखिज्म नहीं इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और फिर उन्होंने उसके परी जो भी धर्म था उसको हिंदुज्म की श्रेणी में रखकर उसको उसने हिंदू के नाम से रजिस्टर कर दिया और उनके जो आ, एक तो सेंसस हुआ जनगणना और उसके बाद उनके जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे हुए उस सर्वे में भी हिंदुओं का एक अलग कैटेगरी के रूप में किया गया खैर चलिए तो इसका मतलब अब एक हिंदू कम्युनिटीज क्लियरली आ गई पहले तो एक हिंदू रीजन को व्यक्त करता था फिर उसके बाद एक हिंदू रीजन के अलावा फिर अब धर्म को व्यक्त करने लगा और मिडिवल हिस्ट्री तक आकर और फिर उसके बाद अब हिंदू एक कम्युनिटीज भी एक कंप्लीटली स्टेब्लिश हो गई ओके अब यहां पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं यहीं पर एक डिस्कस मैं आपको एक पहले मैं आपको डिबेट डिस्कस कर देता हूं फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा स्टूडेंट्स हम तीन विचार आपके सामने रखते हैं और फिर इस पर हम लोग अपना फाइनल विचार सोचेंगे बॉल विल बी इन योर कोर्ट आपके कोर्ट में होगा आप डिसीजन लेंगे यू आर द जज लेकिन पहले तीनों का विचार हम लोग आराम से सुन लें एक ग्रुप आया उसको कहते हैं कंस्ट्रक्शनिस्ट स्कूल कंस्ट्रक्शनिस्ट स्कूल स्कूल दूसरा आया जिसको कहते हैं इंडियन एजेंसी स्कूल इंडियन एजेंसी स्कूल अब थोड़ी हमको जगह कम पड़ रही तो इसको मैं थोड़ा पीछे खींच लेता हूं इंडियन एजेंसी स्कूल और तीसरा फिर आया वो तीसरे को बोलते हैं प्री मॉडर्न प्री मॉडर्न प्री मॉडर्न एग्जिस्टेंस मतलब ये जो कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल है वो ये कहता है इसमें डब्ल्यू सी स्मिथ है के स्कॉलर है एक फ्राइकेनबर्ग है और कुछ अन्य स्कॉलर हैं इनका कहना है कि देखो भाई ये सुनिए सबका हम इनके साथ एग्री करें या ना करें वो हमारे हाथ में है इनका पहले सुन लीजिए इनका क्या कहना है इनका कहना यह है कि देखिए एज सच पहले एक जोग्राफिकल एंटिटी थे हिंदूज और ब्रिटिश ने इन इनको, इनको एक जैसे हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ किसी भारतीय ग्रंथ में हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है मतलब इनका ये कहना है कि ब्रिटिश के कारण हिंदू और मुस्लिम का फीलिंग्स और हिंदू और मुस्लिम का डिवीजन और वाटर टाइट कंपार्टमेंट जो इंडिया में हुआ या ब्रिटिश के कारण हुआ ये इनका कहना है अब वो तर्क क्या देते हैं भी सुनिए वो कहते हैं कि वेन एवर फॉर द फर्स्ट टाइम द पर्सियंस एज वेल एज द अरबियंस दे दूज द टर्म हिंदू एट दैट टाइम द टर्म हिंदू वॉज नॉट मैंसन इन ए सिंगल इंडियन टेक्स्ट किसी भी इंडियन टेक्स्ट में हिंदू शब्द का मैंसनिंग नहीं थी इन महानुभावों ने किया दूसरी बात है कि जहां तक मुस्लिम्स का सवाल है तो उनका कहना है कि भारत में मुस्लिम नॉट नोन एज मुस्लिम्स उनका कहना है कि जब तुर्क्स आए जब तुर्क भारत में आए थे जो मैंने आपको बताया मीडिया फेज में जब पहले गजनी गोरी आपने नाम सुना होगा तो पहले उनको जो इंडियंस थे वो कहते थे दो नाम से पुकारते थे मुस्लिम्स को उनको कहते थे तुरुस्क्री तुरुष्क कहते थे एक गहरवाल शासक था उसने तुरुस दंड नामक एक कर भी लगाया था जिस कर से पैसे उगाही करते थे ताकि मुसलमान आक्रमण का हम सामना करें दूसरा इनको यवन कहा जाता था और फिर मलिक शब्द का भी कभी कभी, कभी प्रयोग किया जाता था मलिक शब्द इससे पहले भी भारतीय परंपरा में जो बाहर के इन्वेडर्स हुए इस सब का मतलब यवन और मलिक्स का मतलब वो कहीं ना कहीं बारवरियन से लगाते थे मतलब इन्वेडर से लगाते थे लेकिन इनमें से किसी को भी मुसलमान शब्द का प्रयोग नहीं होता था एंड देन जब राज जब खासकर जब मुगल्स आए तो मुगल्स के समय आप देखोगे कि मुगल्स के लिए उन्होंने कुछ दिल्ली मतलब दिल्ली पति जैसे शब्दावली का प्रयोग करना शुरू किया दिल्ली पति मलिक चवन तुरुस्क आदि शब्द का प्रयोग वह मुस्लिम शासकों के लिए करते थे और बताए कि आठवीं सदी से लेकर और चौदहवीं आठवीं सदी से लेकर चौदहवीं सदी तक जो भी टेक्स्ट हुए उसमें यही नाम मुसलमानों के लिए मिले या सत्रहवीं सदी तक और फिर उन्होंने ये कहा कि इतना ही नहीं बल्कि सत्रहवीं सदी का तेलुगु जो आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषी जो अभिलेख है उसमें मुसलमानों के लिए अशुपति शब्द का प्रयोग हुआ जो घोड़े का धारण करने वाला या जो जिसके पास बहुत घोड़े के खजाने हों भंडार हों अशोपति शब्द का प्रयोग उसके लिए अशोपति शब्द का प्रयोग हुआ तो ये कहते हैं कि मुसलमान शब्द को पॉपुलर बनाया ब्रिटिश ने और हिंदू शब्द को कम्युनिटी के रूप में जन्म दिया ब्रिटिश ने और हिंदू मुसलमान की भारत में फीलिंग लाई इन्होंने कहा इस तरह की फीलिंग नहीं थी क्योंकि वैसे भी जब मुस्लिम्स आए थे तो अब एक बात आप इस हिस्ट्री में भी जाएंगे ये मैं इनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ पहले इनका पक्ष रखता हूँ फिर दूसरे के पक्ष पर आऊँगा दूसरा कौन क्या बोलते हैं तो इनका ये कहना है कि देखिए ये जो हैं ये ये इस तरह की फीलिंग्स पहले नहीं थी ब्रिटिश आए और विशेषकर जो ब्रिटिश प्राच्यवादी आए और इंटेलिजस्ट हैं तो उनकी समस्या यह थी कि उन्होंने मान लिया कि इंडिया एक धर्म पर आधारित देश है और यहाँ सबसे पहली पहचान धर्म और जाति की है तो उन्होंने धार्मिक और जाति पहचान पर इतना बल दिया कि इंडिया में जाति और धर्म का तनाव पैदा कर दिया ये इनका कहना है और उन्होंने इस सेंस में कहा कि खास कर जब सेंसस बनाया तो उन्होंने बांट दिया ये हिंदू ये मुसलमान और इससे पहले 1817 में जब जेम्स मिल ने अपना इतिहास लिखा था पहला द फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया उसमें उन्होंने हिंदू पीरियड मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश पीरियड में बाँट कर और भी कॉमनल कॉन्सनेस को इंडिया में बढ़ा दिया ये ब्रिटिश इसके पीछे उत्तरदायी कारण है ये इनका तर्क है वजह आप बता ही रहे हो बताते हैं कि कोई भी इंडियन ग्रंथ में हिंदू शब्द हम नहीं पाते हैं लंबे समय तक और फिर मुसलमानों के लिए भी ये जो शब्द का प्रयोग हुआ है दे आर द डिफरेंट वर्ड्स सो ये फीलिंग ब्रिटिश का लाया हुआ है दूसरा जो मैंने कहा इंडियन एजेंसी स्कूल है इसमें वैसे तो कई हैं लेकिन दो इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बताता हूं एक नाम है गौरी विश्वनाथन और दूसरा नाम है रोमिला थापर वो इंडियन एजेंसी स्कूल में कहते हैं कि ठीक कहना है कि देखिए ये ठीक है या ठीक है कि, कि इन्होंने एक हिंदू और मुसलमान जैसी पहचान दी और हिंदू कम्युनिटीज को जैसे इनका ये तर्क है कि देखिए अब अब्राहमिक धर्म है इनका इनका तर्क है पहले वाले का जो अब्राहमिक धर्म है वह धर्म है यहूदीवाद फिर ईसाई धर्म फिर इस्लाम धर्म तीनों तो अब्राहम की परंपरा से ही जुड़ी हुई है तो उन तीनों में ज्यादा समानता है अपेक्षाकृत आप, आप जिसको हिंदू धर्म कहते हो तो पंथ है ही नहीं उसमें इतने सारे सेक्ट्स हैं और उनमें से कई का तो बिल्कुल ही बुद्धिज्म है वो बिल्कुल ही अब अपने आप को सेपरेट कर रहा है 2014 में जैनिज्म ने भी अपने आप को सेपरेट कर लिया और सिखिज्म ने भी अपने आप को सेपरेट कर लिया अब तो आपने देखा कि जहां तक मुझे ध्यान है पिछले कर्नाटक इलेक्शन में जो ये जो थे जो कर्नाटक का एक बड़ा ही पॉपुलर सेक्ट है आपने उसमें नाम सुना होगा तो उन्होंने भी कहा कि भाई हम हिंदुइज्म से बिल्कुल पृथक होते हैं तो मतलब यह है कि इनका ये कहना है कि आखिर इन सबको आप एक मानकर और एक साथ रजिस्टर कैसे कर दिया और सबको आप कह रहे हो एक एक हिंदू कम्युनिटीज हैं और उसमें केवल ब्राह्मीण सी नहीं है जितनी भी जातियां सब आपने समूह उधर सर, उसी तरह से मुसलमान में तुर्क थे कोई एशियाई थे तुर्कों का इनसे नहीं बनता था और इंडिया में इक्वेशन बड़ा अजीब था जब बावर आया था यहाँ इन्वाइट किया था तो देखा था इब्राहिम लोदी के साथ खड़े हैं पानीपत के फर्स्ट बैटल में जो राजपूत शासक मानसिंह तोमर ग्वालियर उसका पुत्र विक्रमा विक्रमादित्य वह भी उसके साथ बाबर के अगेंस्ट में लड़ा था और फिर युद्ध में इब्राहिम लोदी के साथ वह भी मारा गया था बाबर से लड़ते हुए और बाबर ने प्रयोग शब्द किया है हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी में वो हिंदू मुसलमान दोनों शब्द का प्रयोग करता है हिंदुस्तानी उसने लिखा है अपने तुजुके बाबरी में कि हिंदुस्तानियों ने हमसे बहुत ही ईमानदारी से दुश्मनी निभाई जहां भी हम गए वहां तालाबों में और कुओं में जहर डाल दिया फसलों को जला दिया तो ये चीजें जो लिखता है वो हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग करता है तो इनका कहना है कि ऐसा डिविजन आपने क्यों किया जो इंडियन एजेंसी स्कूल वाले हैं वो इनकी इनका रोल तो मानते हैं लेकिन वह एक स्टेप आगे बढ़कर कहते हैं कि इसमें पूरा दोष आप ब्रिटिश प्राच्यवादियों का ही मत दीजिए जब ब्रिटिश प्राच्यवादियों ने हिंदू की एक कॉमन पहचान दे दी तो हमारे जो ये तथा कथित हमारे सुधारक और लेखक हैं वो भी काफ़ी एक्साइटेड हो गए कि यार ये पूरे इंडिया में हम हिंदू कम्युनिटीज एक विशाल हिंदू कम्युनिटीज बन गए और उन्होंने भी हिंदू कम्युनिटीज़ को बार 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 जानबूझ के उस पहचान पर बल देना शुरू कर दिया अब देखिए इसी सेंस में बताते हैं जैसे वो कहते हैं कि देखिए अब ब्रिटिश ट्रांसफॉर्मेशन जब कर दिया तो लेटर यहां पर आ गए हमारे सुधारक राजा राम मोहन राय स्वामी विवेकानंद दयानंद सरस्वती आदि तो इन सबों ने वास्तव में देखिए इनका बड़ा नोबल पर्पज था इनका नोबल पर्पज था इनको समझने की जरूरत है क्योंकि यह राष्ट्र बना रहे थे राष्ट्र बना रहे थे तो उनको इससे बढ़िया पहचान क्या मिलती कि हमें समाज और धर्म सुधार आंदोलन करना है और समाज और धर्म को सुधार कर इंडिया को एक मॉडर्न नेशन में तब्दील करना है वही मैं आपको बता रहा हूं कॉकरोच मारने निकले थे दो तीन छिपकिलिया मरेगी क्या किया जा सकता है अगर इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे और इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कहेंगे छिपकिलिया क्यों मरेगी छिपकिलिया मरने से ज्यादा लॉस हुआ दो चार या कॉकरोच नहीं मरता तो ज्यादा अच्छा था अब हु इज राइट हु इज रॉंग बॉल इज इन योर कोर्ट तो इनका ये कहना है अब ये नेशन बना रहे तो नेशन में ये धर्म सुधार के लिए निकले तो जब धर्म सुधार के लिए निकले तो इन्होंने वैदिक मॉडल पर बल दिया अब वैदिक मॉडल पर बल देने से क्या हुआ कि इनके मन में भी एक इच्छा हुई कि देखो यहूदीवाद एक अलग अपना पहचान बना रहा है हालांकि उसमें उतनी पहचान नहीं बनी थी मतलब वो भी और इधर क्रिश्चियनिटी है उसने अपनी आइडेंटिटी खड़ी कर ली पूरी दुनिया में दुनिया के सबसे बड़े रिलीजन बन के बन के बैठ गए और इस्लाम की अपनी अलग आइडेंटिटी है और सब में एक निश्चित देवता है सब सब में एक एकेश्वरवाद एक है सब में एक स्पेसिफिक टेक्स्ट है और कुछ स्पेसिफिक पद्धति है तो अब दयानंद सरस्वती जो उन्होंने कहा वेदों की ओर लौटो तो वो चाहते थे हम क्रिश्चियनिटी का सामना करें उसमें इस्लाम उनके लिए समस्या नहीं थी उनके लिए समस्या क्रिश्चियनिटी थी क्योंकि यहाँ बहुत सारी ईसाई मिशनरियां सक्रिय थी बहुत सारे निम्न जाति के लोगों को ईसाई धर्म में धर्मांतरित कराया जा रहा था जो लाला लाजपत राय ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है तो वैसी स्थिति में इन्होंने चाहा कि हम क्रिश्चियनिटी के समानांतर हिंदुइज्म को खड़ा कर दें तो इन्होंने भी टेक्स्ट पर बल दिया और वो वैदिक टेक्स्ट उन्होंने बल दिया क्रिश्चियनिटी पर तो इन्होंने उन्होंने बाइबल पर बल दिया तो इन्होंने भी कहा है, हमारे पास भी टेक्स्ट है वैदिक टेक्स्ट ओके और राजा राम मोहन राय से लेकर स्वामी विवेकानंद सभी ने वैदिक परंपरा पर बल दिया अब अगर अब अब देखिए अगर आप आगे बढ़ते यानी मौर्योत्तर काल तक पहुंचते पोस्ट मौर्य तक पुरानों के काल तक तो आपको क्या होता दो समस्याएं आ रही थी एक समस्या यह आ रही थी कि आपको मूर्ति पूजा है मंदिर है वगैरह है और वेदों में ना मंदिर है ना मूर्ति पूजा है और चलिए बहुदेववाद है परंतु वेदांत दर्शन में तो एक कैशरवाद आ ही चुका है तो इन्होंने वैदिक धर्म से एक केशर्वाद ले लिया वैदिक टेक्स्ट ले लिया और चूंकि जाति व्यवस्था भी जड़ ही जमा रही थी और उसमें जाति अभी वर्ण की अवधारणा थी और जाति विभाजन पक्का नहीं हुआ था अछूत की अवधारणा नहीं आई थी और महिलाओं की स्थिति अभी नहीं गिरी थी महिलाओं की स्थिति आगे चलकर गिरेगी इसलिए इन्होंने वैदिक मॉडल को प्रधान मान लिया और आगे वाले लेगेसी को रिजेक्ट कर दिया हमने कहा ये सब आगे है वो डिस्टोर्सन है वह वह अलग तरह का विकास है अब इन्होंने जो हिंदू धर्म का मॉडल दिया वह मॉडल वैदिक मॉडल पर बल हुआ यानी कॉकरोच मारना था क्या करते नेशन बनाना है इंडिया को नेशन बना रहे कुछ भी इनका कहना है कि उसमें सॉरी ये जो है इनका कहना है कि कुछ शिपकिलिया भी जो इंडियन एजेंसी स्कूल वाले हैं कि ब्रिटिश ने इनको मॉडल दिया और उस मॉडल को लेकर ये बढ़ाए तो इससे आपत्ति होगी कुछ निम्न जाति के नेता हैं क्योंकि इन अचानक से इनके हिंदू हिंदुइज्म के दो पक्ष हैं हिंदुइज्म का एक पक्ष है वैदिक ग्रंथ और दूसरी तरफ मूर्ति पूजा है तंत्रवाद है निम्न जाति के लोग हैं निर्गुण भक्ति है कई तरह के सेक्ट्स हैं सैक्रो सेक्ट्स हैं तो इनका जो पक्ष पर इन्होंने बल दिया हालांकि इन्होंने समाज सुधार की बात की हालांकि महिलाओं की दशा में सुधार की बात की एकेश्वरवाद एक की बात की मंदिर मूर्ति पूजा का विरोध किया ब्रह्म समाज आर्य समाज प्रार्थना समाज बहुत सारे समाज बने लेकिन उन सब की थीम में एक कॉमन पॉइंट था कि हिंदू धर्म के जो सवर्ण स्वरूप है अभिजात स्वरूप है वह महत्वपूर्ण हो गया और जो निम्न तबके के लोगों का धार्मिक पंथ था वो दबने लगा हिंदू धर्म कोई उस तरह का इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की तरह है और यहूदीवाद की तरफ था नहीं तो इनका कहना है कि वो समस्या आ गई प्री मॉडर्न एग्जिस्टेंस वाले में भी हैं जैसे लॉरेंजेन हैं इसमें हैं और सिंथिया तालवोत हैं आ, ये सब कुछ स्कॉलर्स है तो इनका कहना है कि देखिए बातों को ज़्यादा खींचिए मत हिंदुइज़्म की पहचान ब्रिटिश के आने से पहले ही जुड़ चुकी थी क्योंकि जब मध्यकाल में जब यहाँ पर आ गए थे तुर्क और मुग़ल तो फिर यहाँ पर जो तथाकथित जो गैर इस्लाम पंथ थे जैसे धार्मिक पंथ हिंदू धर्म थे तो उस उसमें उनको समस्या आ रही थी कुछ ना कुछ चुनौती हो रही थी और उन्होंने दो एक दो तीन एग्जाम्पल दिए हैं ये ग्रुप ने कहा कबीरदास का एग्जाम्पल लीजिए आप और दो तीन दादू दयाल और किसी किसी का एग्जाम्पल कहा तो इन्होंने कहा कि अब कबीर दास को लीजिए तो कबीर दास हिंदू शब्द का खुलकर प्रयोग करते हैं और उधर इस मुस्लिम शब्द का भी खुलकर प्रयोग करते हैं तो जब तक ये फीलिंग्स आई नहीं थी कि भाई दो हैं और उन्होंने तीर्थयात्रा को भी कबीरदास ने प्रहार किया है मंदिर को किया है मूर्ति पूजा को किया है हिंदू शास्त्रों को किया है इसका मतलब ये सब कुछ मिलकर हिंदुइज्म की फीलिंग या कॉन्सेप्ट ब्रिटिश के आगमन से पहले ही हो चुका था अब ब्रिटिश को दोष मत दीजिए केवल बल्कि ये पहले से ही है ब्रिटिश ने उसी को थोड़ा सा और इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है तो ये तीसरे वाले का ये कहना है चलिए हमने तीनों को सुना अब हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते, करते हैं ये कह रहे हैं सही कह रहे हैं फीलिंग्स आ गई थी मध्यकाल में हिंदू मुस्लिम की अवधारणा आ चुकी थी ब्रिटिश ने सेंसस बना दिया और ब्रिटिश ने उसको ज्यादा इंफेसाइज कर दिया इंफेसाइज कर दिया तो इस कारण से क्या हुआ हिंदू और मुस्लिम इन दोनों पहचानों पर बहुत ज्यादा बल मिल गया ओके अब हमारे जो राष्ट्रवादी नेता आगे चले उनका मजबूरी देखिए ये समाज और धर्म सुधार करने निकले लेकिन उसमें अचानक से जो हिंदू धर्म है वो हिंदू धर्म शब्द पर ज्यादा बल पड़ गया या ज्यादा हाईलाइटेड हो गया ओके उसको सही सॉरी सॉरी उसका ब्राह्मणवादी पक्ष पर ज्यादा बल हो गया तो अब उसके नीचे आप आते हैं तो उसमें डॉक्टर आम्बेडकर हैं ई बी पेरियार नायकर हैं उससे पहले नारायण गुरु हैं तो वह इनकी हिंदुइज्म से संतुष्ट नहीं उनका कहना है कि जब तक आप कास्ट सिस्टम को इससे नहीं हटाएंगे तो हम लोग कैसे मानेंगे अब कास्ट सिस्टम को हटाइए कास्ट शोषण हो रहा है ये उचित नहीं है तो अब हो गए अब कास्ट के आधार पर भी डिवीज़न हो गया और इधर भीमराव अंबेडकर खड़े हो गए भीमराव अंबेडकर भीमरा, ने तो यहां तक कह डाला कि आई हैव बीन बोर्न एज ए हिंदू बट आई विल नॉट प्रेफर आई विल नॉट प्रेफर टू डाई एज ए हिंदू तो अब ये लोग हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम पर प्रहार कर रहे थे कास्ट सिस्टम को देख रहे थे और बाकी तो धर्म में निराकार ईश्वर से इनको कोई समस्या नहीं थी क्योंकि श्री नारायण गुरु ने ही कहा था एक ईश्वर एक धर्म और एक जाति लेकिन ये जो दयानंद सरस्वती थे या राजा राम मोहन राय थे स्वामी विवेकानंद भी ये सभी जाति अछूत व्यवस्था पर प्रहार करते थे ये डिमांड करते थे इसको समाप्त होना चाहिए निम्न जाति के प्रति सिंपैथी दिखाते थे लेकिन इन निम्न जाति के नेताओं का कहना था कि जाति व्यवस्था को ये लोग तोड़ नहीं रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर ब्राह्मणवादी संस्कार है इसलिए इस चीज को ये सब तोड़ने से पीछे हट रहे हैं बात तो इतनी बढ़ गई कि डॉक्टर अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन का भी डिमांड कर डाला हालांकि गांधी ने इसे मैनेज किया तो ये इस तरह की बात इसमें आ गई तो एक तो यहां पर हिंदुइज्म को लेकर ये हुआ खैर चलिए अब आगे जब आप आते हैं तो आगे अब एक बात हुई है जो मैं आपको बताऊंगा कि एक शब्द आप देखते हैं वो है हिंदुत्व हिंदुत्व ये जो हिंदुत्व शब्द आप देखते हैं हिंदुत्व कहते हैं इसको या इसको हिंदुत्व कहते हैं तो ये जो हिंदुत्व शब्द है इस हिंदुत्व शब्द पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये शब्द सबसे तो पहले इजाद किया 1924 में 1924 में वीडी सावरकर थे 19 फोर्टी में वीडी सावरकर ने एक पुस्तक लिखी थी हिंदुत्व हालांकि वीडी सावरकर का लाइफ बहुत ही अप्स एंड डाउन से गुजरा है पहले वो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी रहे थे और लंदन में भी सक्रिय रहे थे उन्होंने आपको पता हुन, होगा कि उन्होंने इस एटीन के रिवोल्ट पर लिखा था और 1857 के रिवोल्ट पर उन्होंने एक बहुत अच्छी बुक लिखी थी द यू कैन से द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आज भी उसको कोट किया जाता है जो भी पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय आंदोलन शब्द का पहली बार प्रयोग किया था उन्होंने एटीन के रिवोल्ट के लिए और उसके बाद वो गिरफ्तार हो गए गिरफ्तार हो गए तो उनको डबल लाइफ एम्पिजनमेंट मिला था और वहाँ से वो अंडमान निकोबार भेज दिए गए थे मैं तो वी डी सावरकर का एक क्रांतिकारी के रूप में बड़ा प्रशंसक रहा हूँ क्योंकि बचपन में जब इनके बारे में पढ़ा तो इनके व्यक्तित्व से मैं काफ़ी प्रभावित रहा था और बाद में मैं जब अंडमान निकोबार गया और वहाँ पर पोर्ट विलियर पर जब एयरपोर्ट पर उतरा तो वी डी सावरकर एयरपोर्ट सुना नाम सुन के बहुत खुशी हुई और जो वहाँ से सेलुलर जेल गया तो वहाँ पर सारे गाइड्स का ध्यान इसी पर था कि चलिए मैं आपको सावरकर का सेल दिखाता हूँ सावरकर का सेल इतना हाईलाइटेड था फिर लाइट एंड साउंड प्रोग्राम पर गए तो और भी इम्प्रेस्ड हुए क्योंकि जेलर ने कहा कि पूछा कि सावरकर जब इनको डबल इंप, लाइफ इंप्रमेंट में सावरकर अब तुम्हारी सजा 1960 तक खींच गई है अब तुम कैसे जेल से निकलोगे 1960 तक तो उन, उनका जवाब आया कि जेलर क्या तुम्हारा विश्वास है कि तुम लोग 1960 तक इंडिया में रह पाओगे तो ये काफी इंप्रेसिव था लेकिन उनका कैरियर का जो दूसरा हाफ में पढ़ा तो उतना ही निराश हुआ क्योंकि पहले उन पर मैजिनी के राष्ट्रवाद का प्रभाव था देखो इंडिया में क्या है मैं आपको बताता हूं इसको बोलते हैं कंपोजिट पैट्रियोटिज्म कंपोजिट पैट्रियोटिज्म या इसको आप कंपोजिट नेशनलिज्म भी कह सकते हो मतलब ये शब्द सबसे पहले यूज किया था समन्वित समन्वित देशभक्ति की भावना या समन्वित राष्ट्रवाद की भावना आप माने तो यह सबसे पहले दिया था सुरेंद्र बनर्जी ने बिपिन चंद्रपाल ने भी और इसको गांधी ने बाद में हाईलाइट किया था गांधी ने कहा था कि देखिए सब अपने आप अप सबको धार्मिक स्वतंत्रता है सब अपने अपने धर्म का पालन करते हुए राष्ट्र के उद्देश्य के प्रति सभी लोग समर्पित हों सबकी अपनी अलग सामाजिक धार्मिक पहचान रहेगी लेकिन सबकी कॉमन राष्ट्रीय पहचान होगी तो जो भी विविधता मूलक जो भी देश होता है जो बहुभाषा भाषी बहु, बहु नस्लीय और बहु संस्कृतिक होता है उसको वह या तो नेशन नहीं बन सकेगा और नेशन बनेगा तो उसको इसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ लेकर चलना पड़ेगा जो गांधी या बहुत इस तरह के लीडर्स थे स्वयं बी डी सावरकर भी 1937 से पहले इसी में विश्वास करते थे लेकिन 1922 में वो जेल से शायद निकाले गए और 21 या 22 में फिर उसके बाद उनको रत्नागिरी में अपना जो होम टाउन था वहाँ पर उनको नजरबंद करके रखा ब्रिटिश ने तो नाइनटीन तक तो नजरबंद ही रहे तो काफ़ी तो पीड़ा तो झेली जेल की और अंडमान में तो बहुत ज्यादा लेकिन उसके बाद जब आए तो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बन गए और फिर उन्हें हिंदुत्व के हिंदुत्व या हिंदुत्व के विचार उसको हिंदू नेश भी बोलते हैं या हिंदुत्व बोलते हैं अब यह विचार क्या कहता है यह विचार यह कहता है कि देखिए इनको धर्म से कोई मतलब नहीं था हिंदुत्व या हिंदुत्व कोई पूछिए सेंटेंस में तो आप यह कहिए कि जब हम हिंदू पहचान का उपयोग राजनीतिक उद्देश्य करते हैं तब वो बनता है हिंदुत्व इन्होंने तो यहां तक कहा अब उसी में आप देखेंगे आरएसएस के प्रधान जो एम एस गोलवलकर है वो इनसे डिफर मतलब नहीं मूलभूत तो पहचान या धर्म आस्था या जातिवाद सबका विरोध तर्कवाद पर बल दीजिए वैज्ञानिक पद्धति पर बल दीजिए मॉडर्न तकनीकी पर बल दीजिए क्योंकि हमको पश्चिम से आगे निकलना है जब तक हम शनलिज्म को नहीं लेंगे टेक्नोलॉजी पर बल नहीं देंगे जाति व्यवस्था जैसी चीजों को कर्मकांड को मंदिर मूर्ति पूजा सब कुछ छोड़िए आप तर्कवाद पर बल दीजिए विज्ञान और तकनीकी पर बल दीजिए लेकिन हिंदू आज से नहीं इस आर्यावर्त में इस भारतवर्ष में इस जम्बू द्वीप में हजारों वर्षों से रह रहे हैं उनके बीच एक आपस में पहचान जुड़ चुकी है और वो पहचान है हिंदू पहचान और अगर हमें राष्ट्र बनना है तो हिंदू पहचान से बड़ा कोई बल नहीं होगा ओके okay? हिंदू पहचान से यानी देर इज नो अदर वे नो अदर टूल देन हिंदू आइडेंटिटी इससे बढ़िया कोई पहचान हो ही नहीं सकती है हम इस पहचान बना के इंडिया को नेशन बनाए ओके okay? क्योंकि तो ये भारतवर्ष में ये चीज रहा है अब देखिए इसमें मैं इसमें आगे जो बोले वो काफी इसको उन्होंने एक इसको कहा जाता है कल्चरल नेशनलिज्म या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इसको नाम देते हैं कल्चरल नेशनलिज्म अथवा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ये कल्चरल नेशनलिज्म क्या कहता ये कहते हैं कि देखिए हजारों वर्षों से हिंदू भारतवर्ष में रहते रहे तो इसमें क्या है कि उनके बीच एक आपस में जुड़ाव हो गया उनकी एक कॉमन पहचान बन चुकी है वो भारत को अपनी पितृभूमि मानते हैं और पवित्र भूमि भी मानते हैं मन पितृभूमि का मतलब है मदर लैंड है फादर लैंड है एक ही बात हुई मदरलैंड कहो फादर लैंड कहो और ये सिक्रेड लैंड भी मानते हैं ये हमारी पवित्र भूमि है तो उनका कहना है कि जो ऐसा मानते हैं कि ये हमारा फादरलैंड है और हमारा सेक्रेड लैंड है जो हा... जो मानते हैं कि पितृभूमि है और पवित्र भूमि है वही हिंदू हैं और उनको लेकर राष्ट्र बनेगा ओके अब देखिए इसमें क्या दिक्कत ये कहते हैं कि देखिए ज्योग्राफिकल जो रीजन है ज्योग्राफिकल नेशनलिज्म या ज्योग्राफिकल जो आइडेंटिटी है वो आपको स्टेट बना सकता है नेशन नहीं बना सकता तो उनका ये कहना है कि एक ही राज्य में रहते हुए भी अलग अलग राष्ट्र हो सकते हैं क्योंकि अगर आप भारतवर्ष की इस भूमि को पवित्र भूमि नहीं मानते हैं पितृभूमि केवल मानते हैं तो आप फिर इस राष्ट्र के नहीं होंगे आप एक राज्य के हो सकते हैं मतलब उनका सीधा इशारा है कि जिनका तीर्थस्थल भारत से बाहर है वो भारतीय राष्ट्र के मेंबर्स नहीं हो सकते हैं वो इंडियन नेशन के नहीं हैं ये तो बड़ा ऑब्जेक्शनेबल आइडियोलॉजी हो गई ना और बड़ा कॉन्ट्रोवर्सियल भी एक तरफ आप रैशनलिज्म की बात करते हैं तो रैशनलिज्म के लिए सेकुलरिज्म जरूरी है क्योंकि अगर कहीं आपको कोई धार्मिक पूर्वाग्रह या कोई अगर आइडेंटिटी वाली पॉलिटिक्स की हो जाएगी तो वो चीज नहीं हुई और उसमें है कि उस समय मुस्लिम जनसंख्या 25 परसेंट थी आज भी 12 परसेंट से ज्यादा है और 25 परसेंट मुस्लिम जनसंख्या थी तो आप कैसे मैनेज करोगे क्योंकि आप पूरी दुनिया में नेशन का हिस्ट्री देखो ना आप ये पूरा तब नेशन बिल्डिंग की पूरी कहानी तो वेस्टर्न यूरोप से शुरू हुई है ब्रिटेन फ्रांस और बाकी जो आप वेस्टर्न यूरोप के देश देखते हो फिर आई है मध्य यूरोप में जर्मनी इटली और फिर ईस्टर्न यूरोप में गई है जो ऑटोमन साम्राज्य हैशवर्ग साम्राज्य सब टूटे हैं तो फिर नए नए राष्ट्र बने हैं लेकिन आप देखिए ईस्टर्न यूरोप में क्या दुर्दशा है किस तरह से राष्ट्र निर्माण में अब उसके बाद जब थर्ड वर्ल्ड में आते हैं तृतीय विश्व में तो धर्म के आधार पर राष्ट्र बनाने का यह तो प्रयोग हालांकि उस समय वो प्रयोग नहीं हुआ था इस समय जिस समय इधर हिंदू पहचान की बात ये कर रहे थे उस समय मुस्लिम लीग अपनी राजनीति धर्म के आधार पर बना रहा था तो उस समय उनका परिणाम तो सामने नहीं आया था लेकिन दुनिया में धर्म के आधार पर दो राष्ट्र कम से कम बनते हुए हमें दिखे हैं एक तो चौदह अगस्त नाइन को पाकिस्तान बना अब उस राष्ट्र में क्या समस्या आई अगर आप थोड़ा विस्तार से जानना चाहें तो पाकिस्तान में हम पाकिस्तान की दशा एवं दिशा पर हमने लेक्चर दिए हुए हैं आप उस लेक्चर को यूट्यूब पर सुनिए अगर आप जिज्ञासु हैं तो आपको पता चल जाएगा कि एक रिलीजन के आधार पर पाकिस्तान ने जो नेशन बनाया उसमें क्या क्या समस्याएं आई और दूसरा नेशन बनाया इसराइल ने यहूदी पहचान के आधार पर और वहां पर भी आप देखोगे यहूदी पहचान ही है वह नेशन उनका बना 1948 में तो आप कहोगे भाई वो तो सक्सेसफुल है इतना सफल हुआ वो और भी कहीं ज्यादा सफल होता उसके साथ समस्या क्या है वह एक कॉम्बेटेंट स्टेट बन चुका है कॉम्बेटेंट स्टेट का मतलब है दिन रात युद्ध दिन रात संघर्ष वो तो यहूदी कौम एक इतना कर्मठ कौम है कि अपने आप को काफ़ी आगे बढ़ा लिया लेकिन अभी भी आप देखिए अभी जो गाजा पर जो कन्फ्लिक्ट हुआ है तो शायद आप लोगों ने गौर नहीं किया हुआ ट्वेंटी अरब और फलस्टाइन उसके उसके क्षेत्र में है इसराइल में है और आपने उसको यहूदी राष्ट्र या जिंगोइस्ट आपने उसको मतलब आ, सेमिटिक स्टेट घोषित किया हुआ है तो उसमें क्या दिक्कत आ रही क्योंकि उधर गाजा पर जिस समय इसराइल ने अटैक किया तो इधर इक्कीस परसेंट जो यहूदी और फिलस्टाइन थे उसने इनके यहाँ दंगे छेड़ दिए तो मतलब यह है कि कहीं ना कहीं तो आप अंदर बाहर हर जगह से अशांत जी रहे हो तो उसमें नेशन कैसे तरक्की करेगी जो उनका इसराइल वाला फॉर्मूला है तो आप देखिए अब जो भी दुनिया में बहुभाषा भाषी बहु, बहु नस्लीय राष्ट्र रहा है उसके लिए उपाय यही होता है कि हम सिविक नेशनलिज्म की तरफ बढ़ें सिविक नेशनलिज्म का मतलब यह हुआ कि हम एक मतलब कुछ कॉमन गोल कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव कुछ डेमोक्रेटिक वैल्यूज को आधार बनाकर आप जातीय पहचान धार्मिक पहचान क्षेत्रीय पहचान सबको सम्मान करते हुए और तब आप कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव के आधार पर नेशन बनाइए जो इंडिया ने स्वतंत्रता के बाद वैसा किया उस समय हमें से कुछ लोगों को यह अफसोस लग रहा था कि पाकिस्तान ने हमसे ज़्यादा कॉन्सोटेटेड नेशन देश के आधार पर बना लिया लेकिन जो पाकिस्तान का हसर आप देख रहे हैं उसमें मुझे नहीं लगता है किसी को आज की तारीख में खुशी होगी बल्कि खुशी यही होगी कि हम लोगों ने जो मॉडल अपनाया था शायद हमने ज्यादा बेहतर मॉडल अपनाया था ओके तो अब ये बात आप समझ गए अब यहां पर एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा अब मैं एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहूंगा हम अगर हिंदुजम यानी हिंदू धर्म के आधार पर हिंदुइज्म या हिंदू धर्म के आधार पर राष्ट्र बनाना चाहें तो हमें क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है या ये मैं आपको बताना चाहता जैसे आ सकता था अब तो ऐसा है ही नहीं अगर कोई हिंदू धर्म पर बात करे तो मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको तीन धार्मिक पंथों के बारे में बताया था याद होगा एक मैंने सबसे पहले बताया था यहूदीवाद फिर बताया था क्रिश्चियनिटी ईसाई और फिर बताया इस्लाम तो खैर चलिए क्रिश्चियनिटी तो अपना रास्ता बदल लिया लेकिन कम से कम दो राष्ट्र आपको ऐसे मिलेंगे जो धर्म के आधार पर बने हुए हैं पीछे भी मैंने चर्चा की है तो उसमें आप देखेंगे एक हुआ 1947 में फोर्टीन अगस्त पाकिस्तान जो कहीं ना कहीं इस्लामी पहचान के आधार पर बना धर्म के आधार पर बना मुसलमानों की सुरक्षा देने के नाम पर बना और दूसरा बना जराइल नाइनटीन फोर्टी एट में वो बना लेकिन उन दोनों राष्ट्रों में आप गौर करके देखेंगे तो इट डिडेंट बिकम सक्सेसफुल ऑन दिस बेसिस आप इसराइल को सक्सेसफुल मानते हैं इकोनॉमिकली लेकिन और भी कहीं सक्सेसफुल हो सकता था क्योंकि वो एक तरह से कॉम्बिटेंट स्टेट बनकर रह गया रात दिन संघर्ष युद्ध अपने ही लोगों को दबाना कुचलना 21% परसेंट पॉपुलेशन से डील करना तो रियली ये एक टैक्सिंग चीज हो जाती है और जहां तक हिंदू धर्म का सवाल है तो ये तो उतना कॉन्फिडेटेड भी नहीं रहा है इतिहास में तो इसलिए अब देखेंगे आप हिंदू धर्म की बात आप करेंगे तो फिर इसके साथ एक बात आ जाएगी वह है हिंदी भाषा अब हिंदी लैंग्वेज तो आप अगर पूरे इंडिया में हिंदी लैंग्वेज देखें, तो फोर्टी टू परसेंट या टू क्यों लिखूं मैं आपको राउंड फिगर बताता हूं नियरली फोर्टी परसेंट है अब अब इसमें अगर आप हिंदू हार्टलैंड देखें जैसे हिंदी भाषी राज्य इंग्लिश में उसको कह देता हूं हिंदू हार्टलैंड तो हिंदू हार्टलैंड में आपको आता है अगर आप पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे तो आपको जो मिलेंगे जितने आप काउंट करेंगे नाइन प्लस टू यानी यूनियन टेरिटरीज टू है तो मिलाकर आपके बनते हैं टोटल कितने आप पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो ये आता है 43 परसेंट लगभग 43.7 या 8 परसेंट होगा और इसकी बाद आप इसमें अगर एक फैक्टर हिंदुइज्म में हिंदी भाषा जोड़ देते हैं हिंदी भाषी राज्य जोड़ देते हैं और अगर आप कॉमन डिनोमिनेटर को रखते हैं दोनों के बीच तो आपको इन दोनों हिंदी भाषी भी हो और हिंदू भी हो तो उसका तकरीबन आपका डेटा आता है जहां तक मुझे ध्यान है लगभग 34% परसेंट के लगभग और फिर उस 34% परसेंट को अगर आप जाति के आधार पर बांट देंगे कास्ट के आधार पर तो और भी आपको कुछ फोर टू फाइव परसेंटेज में सब बढ़ते चले जाएंगे मुझे ये कहना है कि पाकिस्तान जिस समय इस्लाम के नाम पर अपने राष्ट्र की बात कर रहा था उस समय उसके सामने कोई नजीर नहीं था कोई टेम्पलेट नहीं था मतलब कोई मॉडल नहीं था और उसे लगता था कि धर्म के नाम पर हम कॉन्सोड्रेट बना लेंगे लेकिन वहाँ जब वो नेशन बना तो उसका कॉन्सोड्रेशन में बाधाएं उत्पन्न हुई क्योंकि पंजाबी सिंधी बलूची और सबसे बढ़कर बंगाली आइडेंटिटी को लेकर फिर बंगाली भाषा वर्सेस उर्दू भाषा की तकरार हुई रीजन की तकरार हुई रेस की तकरार हुई लैंग्वेज की तकरार हुई तो कुल मिलाकर वहाँ पर रिलीजन सेमेंटिंग फोर्स के रूप में काम नहीं कर सका मुझे सावरकर वी डी सावरकर खैर उस कॉन्सिक्वेंसेस को कुछ हद तक देख पाए थे लेकिन जिस समय 1924 में वो हिंदुत्वा की आइडियोलॉजी दे रहे थे उस समय तो नहीं जहाँ तक मुझे याद है कि वी डी सावरकर 1966 तक रहे हैं संभवतः तो वो बाद में पाकिस्तान में जो कॉम्प्लिकेशंस आया जो आप हमारे लेक्चर में देख सकते हैं तो उसे वी डी सावरकर ने नहीं देखा लेकिन हम लोगों ने खुली आँखों से देखा है तो हमारे सामने तो ऐसा कोई विकल्प हम थोड़ा भी अफसोस ना करें कि वहाँ पर हम लोगों ने सबसे बढ़िया मॉडल बनाया था हमने आपको बताया था पीछे एक लेक्चर में बताया हुआ सिव, सिविक सिविक नेशनलिज्म सबसे सक्सेसफुल रहा है जिसमें हम अपनी अदर आइडेंटिटीज़ को मेंटेन करते हुए एक नेशनल आइडेंटिटी को डेवलप करें और नेशनल आइडेंटिटी को डेवलप करने के लिए सारे ग्रुप्स को कुछ कंसेसन्स देने होंगे लिंग्विस्टिक ग्राउंड पर यानी भाषाई आधार पर धर्म के आधार पर क्षेत्र के आधार पर जो हमने दिया और हमने एक ऐसा नेशन बनाया जो बड़ा सक्सेसफुली लगभग साढ़े सात डेकेड से दुनिया को एक मॉडल के रूप में दिखा चुका है और जहाँ तक धर्म का सवाल है तो इस बात का इंडिया को गर्व होना चाहिए कि पूरे एंसेंट और मिडिबल वर्ल्ड में धर्म के नाम पर इतने रक्त बहे बहुत सारे ऐसे धर्मगुरु थे जिनको मृत्यु दंड दे दिया गया लेकिन इंडिया में एक तरफ कबीरदास महात्मा बुद्ध कहते हैं ना आत्मा है ना परमात्मा है और कबीरदास हैं वो एक ही साथ हिंदू और मुसलमान दोनों की बुराइयों पर चोट करते हैं लेकिन उन पर कभी भी कोई ऐसा एक मतलब अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि इस तरह का फंडामेंटल्स हिंदुज़्म में है ही नहीं तो बात आती है हिंदू फंडामेंटलिज्म की तो आश्चर्य की बात यह होती है कि हम लोग हिंदू फंडामेंटलिज्म बोलते क्यों हैं जब हिंदुज़म में ऐसा कोई हिंदू धर्म फंडामेंटल रूल्स है ही नहीं हर लोग को स्वतंत्रता है आर्गूमेंटेटिव इंडियंस नामक अपने उस पुस्तक में अमर सेन ने कहा है कि हम इंडियंस को तो प्राचीन काल से ही बोलने की आज़ादी रही है और मध्यकाल में भी कुछ शासकों ने इसको मेंटेन किया है ऐसा नहीं है आप देखेंगे तो हिंदुओं के अलग सिविल कोड रहे थे चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो या मुगल हो और फिर मुस्लिम रूलर्स को भी हिंदू पॉपुलेशन के कोऑपरेशन से काम करना पड़ा था तो जैसा प्राय हम देखते हैं अगर हिस्टोरिकल ट्रूथ को आप देखेंगे और प्रॉपर एविडेंस के आधार पर देखेंगे तो आपको लगेगा आप सोचिए अकबर उस समय दीन इलाही चला रहा था जिस समय पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में सीआर शून्य के नाम पर और दुनिया को सब बनाने का दावा करने वाला मतलब यू कैन से इज मेकिंग अ क्लेम टू सिविलाइज द वर्ल्ड यूरोप वहां पर भी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के आधार पर रक्त बहाया जा रहा था उस समय इसने दीन इलाही चलाया तो मतलब ऐसा नहीं इंडिया की परंपरा है मुगल भी आए तो उनको भी ढलना पड़ा नहीं तो इंडिया में आप रूल ही नहीं कर सकते इंडिया में विचारों की आजादी रही है तो यहाँ पर इंडिविजुअल फ्रीडम को दबाया नहीं जा सकता तो हम लोगों का मॉडल बहुत अच्छा रहा है एंसियंट टाइम से हम लोग अपने इतिहास को समझें और हम अपनी परंपरा के अनुसार ये हमारी परंपरा है ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आया हुआ है या इम्पोर्टेड है जैसा कई बार क्लेम किया जाता है कि पश्चिम पश्चिम से आई हुई धर्मनिरपेक्षता है धर्मनिरपेक्षता तो हमारे यहाँ इंसाइंड है तो इसलिए माई स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि मेरा मैसेज आप आप लोगों तक पहुंच गया होगा और आज इतना ही फिर आगे मिलते हैं किसी अन्य लेक्चर के साथ थैंक यू वेरी मच